अंजलि क्वात्रा जी हमारे आज की स्पीकर हैं, आज की वक्ता हैं, वो हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। रंजीत जी, अंजलि जी हमारे साथ आ गई हैं। मैं समय प्रारंभ होता है, मैं अनुरोध करता हूं कि उनको लाइव प्रसारण में हमारे बीच में जोड़ा जाए। डॉक्टर अंजलि जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं आज कितने टाइम के बाद लोगों से इस तरह से मिल रही हूँ या बातचीत कर रही हूँ। लॉकडाउन के चलते हमारे एनजीओ के सारे कार्यक्रम बंद पड़े थे, इस तरह के जो ट्रेनिंग के थे आपके माध्यम से मैं आज कुछ कर पाऊंगी तो मुझे बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी आपका। हमारी आपसे बात हुई थी, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आपने अपना अमूल्य विषय, जो आपका विषय विशेषज्ञता है, जिसकी मैंने सोचा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बहन जुड़े हुए हैं। हम COVID-19 में 5 स्वास्थ्य चर्चाएं अभी तक आयोजित किए हैं। आज यह 6वीं परिचर्चा विषय से हट करके है, लेकिन जीवन जीने के लिए यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास अभी तक लगभग 350 प्रश्न आ चुके हैं। आपको जवाब शायद कम के देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न कोरिलेटेड हैं। हम उनको क्लबिंग करते चलेंगे। एक बार मैं आपका परिचय बताते हुए, आपका परिचय बहुत है, आपकी फोटो देश विदेश दुनिया में पोस्टरों में गई है, अखबारों ने बहुत कवर किया है। आपका हृदय से स्वागत है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का मुख्यालय सतना में है और सतना से आज हम इस प्रसारण को सीधे कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आज मध्य प्रदेश की यात्रा पर था। हमारे यहाँ की टीम में कामता पांडे जी, विजय तिवारी, कृष्णा पांडे, सिद्धार्थ छारिया, अंशु तिवारी, बहुत लोगों ने यहाँ पे काम किया है। अनेक महिला कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। वो सभी अपने अपने घरों से हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है। मैं अपने घर के पास एक जगह बैठ करके इस आयोजन को कर रहा हूँ। आपका हृदय से स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आज डॉक्टर अंजलि क्वात्रा जी सुरक्षा प्रबंधन की विशेषज्ञ हैं, जो सुरक्षा आपदा राहत तैयारी एवं आपात प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखती हैं, और वो महानिदेशक हैं आपदा जोखिम एवं सुरक्षा केंद्र की, तथा संस्थापक एवं अध्यक्षा हैं अपने फिलंथ्रोप की, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के और अनेक प्रकार के नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम करती हैं। उन्होंने देश और विदेश में अनेक प्रकार की पढ़ाई की है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। न्यास के साथ इनका हमेशा स्नेह रहा है, प्रेम है। भीड़ कैसे कंट्रोल किया जाए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कैसे की जाए, डिजास्टर रिकवरी कैसे की जाए, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। आजकल मंदिरों में कई जगह ऐसे रहते हैं कि बड़े देवी स्थान रहते हैं। आषाढ़ एकादशी अभी निकली है, महाराष्ट्र में बड़ी विठ्ठल रखुमाई की यात्रा निकलती है, वहां पर हर साल भगदड़ होती है, लोग उसमें रुक जाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी अंजलि क्वात्रा जी, जिन्होंने सुरक्षा प्रबंधन में बहुत सारी पहल की है, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बेंगलोर, इन सब घने बसे हुए शहरों में विशेष प्रकार से भीड़ प्रबंधन की जरूरत रहती है। हम आपदा प्रबंधन में अपना जीवन कैसे बचा सकें, इस बारे में डॉक्टर अंजलि क्वात्रा जी आज हमारे बीच में विषय रखेंगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के माध्यम से आज यूएसए, जापान, मॉस्को, भारत के तो लगभग सभी बड़े शहर और छोटे छोटे गांव से, खास करके बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, वो आपसे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन चाहते हैं। आप हमें इन विषयों पर, प्राकृतिक आपदाओं में स्वयं का बचाव कैसे करें, इसके बारे में एक शुरू में बताइए। बाद में दर्शकों के प्रश्न आए, मैं प्रश्न रखूंगा, दर्शक हमारे सुनेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर राकेश मिश्रा जी और पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप खुद ही काफी अच्छे काम कर रहे हैं इतने समय से मैं देख रही हूँ, और सेवा का जो नर सेवा नारायण सेवा के इस उद्देश्य से जो आप लोगों की बीमारियां दूर करने के काम कर
किसानों की मदद और पशुपालन, बागवानी, सरकारी योजनाओं का फायदा देना लोगों को, विद्यालय, कितने सारे क्षेत्रों में काम आप कर रहे हैं कि मुझे आपसे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी मुझे मौका दिया है ये आपके साथ जुड़कर ये करने का कि लोगों की जाने बचाने, ये हमारे हमारी एनजीओ मैं जो हेड करती हूँ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा स्वास्थ्य सेवा और फिलान्थ्रोप नाम से ये रजिस्टर्ड है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी आपदाओं में लोग अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं ये सिखाने का काम हम करते हैं ताकि सरकारें जो काम कर रही हैं उनमें हम नागरिक भी मदद करें, ना कि एक समस्या का हिस्सा बने। उसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि हमारी जिंदगी में खतरे क्या क्या हैं। आइए हम अपने एनजीओ का पहले आपको उद्देश्य बताते हैं कि हर परिवार में अगर एक जना प्रशिक्षित हो जाए तो आपातकालीन सहायता करने में और उसमें गलतियां ना हो ये करना निश्चित हो सकता है। और ये मैं क्यों करती हूँ, मेरे साथ अपनी लाइफ में एक हादसा हुआ कि मेरे पीएचडी के जो गाइड सर थे वो ट्रेन से मुंबई जा रहे थे अपने पोते के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए और वो रास्ते में मर गए। उनकी बीवी जो इतनी पढ़ी लिखी थी वो भी उनके साथ थी, मगर वो भी अपना ख्याल नहीं कर पाए और उनकी बीवी भी उनको नहीं बचा पाए। ये मुझे इससे बहुत सदमा लगा कि इतने पढ़े लिखे होकर वो अपनी जान नहीं बचा पाए और जब तक उनकी बीवी वो चेन खींचती या स्टेशन आता हॉस्पिटल पहुंचते वो मृत थे। तो ये सोचकर मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी इस सब्जेक्ट की कि लोगों की जाने क्यों जाती हैं। हमारी एक डॉक्टर्स की टीम मैंने इकट्ठी करी और हम हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में हमने जाके पढ़ाई करी कि लोगों की जाने क्यों जाती हैं और इससे भी अधिक कि जाने बचाई कैसे जा सकती हैं, जिनकी बचती हैं वो कैसे बचती हैं। तो हमने जो पाया वो भी बड़ा भयावह था कि पहली बात कि हमारे देश में जब हमने डेटा देखा तो हर साल 96 लाख जाने यानी 96 लाख डेथ्स होती हैं, तकरीबन 1 करोड़ जाने हर साल चली जाती हैं सारे कारणों को मिलाकर, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं। और उनमें से कई जाने जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स ने भी हमें बताया बचाई जा सकती थी, यानी कि अगर जो परिवार के सदस्य या आसपास पड़ोस के लोग या मित्र जो होते हैं अगर वो ठीक तरह से उस मरीज को हैंडल करके लाते तो शायद वो बचा भी सकते थे उसकी जान, क्योंकि ये सरल क्रियाएं हैं जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज मैं भी आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि अचानक ही किसी आपके मित्र को या परिवार के सदस्य को कुछ होता है तो आपको पता है कि उसको कैसे बचाना है? जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं मैं उन्हें बता दूं कि सिर्फ सरल क्रियाएं हैं जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो आइए समझते हैं पहले कि खतरे क्या हैं हमारे जिंदगी को, और उसमें जो सबसे बड़े खतरे होते हैं आपदाएं। आपदा यानी कि बहुत बड़ा स्वरूप का खतरा, वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्रकृति जनित होते हैं एक मानव जनित होते हैं। प्राकृतिक जनित में आते हैं जैसे भूकंप, बाढ़, एकदम मूसलाधार बारिश जैसे कि बादल का फटना उत्तराखंड में जो हुआ था बहुत बड़ा डिजास्टर, तूफान, बहुत तेज गर्मी या शीत लहर, फिर महामारी जैसे कोरोना, इससे पहले प्लेग वगैरह बहुत कुछ होता रहा, सूखा पड़ना या चक्रवात, सुनामी आ जाना, फिर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ही हो जाना, पूरा ध्वस्त हो जाता है कई बार, स्पेशली हिल स्टेशन में ये बहुत होता है, फिर जंगल की आग या ज्वालामुखी फटना। सो सिवाय ज्वालामुखी फटने के हमारे देश में ये सारी आपदाएं आती हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं हमारे देश में यानी भारत में सब आती हैं। तो इसलिए हम सबका तैयार रहना बहुत जरूरी है। मगर इससे भी भयावह बात क्या है कि जो मानव जनित आपदाएं हैं वो उससे भी अधिक आती हैं और जाने और भी अधिक ले जाती हैं। उनमें क्या क्या है, जैसे कि आग लगना, इमारत का ढह जाना और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जैसे कि
भोपाल गैस ट्रेजेडी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, रातों रात इतने लोग मर गए, इस तरह से कोई विस्फोट होना, आतंकवाद, दंगे हो जाना, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यू नो, जैसे परिवहन की दुर्घटनाएं, रेल एक्सीडेंट या एरोप्लेन का क्रैश होना। इसके अलावा CBRN डिजास्टर्स भी होते हैं। CBRN का यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर्स, ये भी बहुत बड़े और अब जो आगे आगे हैं इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। साथ में अब प्रदूषण भी डिजास्टर्स में गिना जाने जा शुरू हो गया है। वायु का प्रदूषण कितनी जाने ले जा रहा है, पानी का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण वगैरह। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें हम बहुत जरूरी है कि हम तैयार रहें, और उसके लिए हमें जो तैयारी करनी है वो हमारे परिवार के एक एज अ यूनिट बनकर हमें तैयार होना है, पूरे परिवार को मिलकर तैयार होना है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है जानकारी कि जहां हम रहते हैं या जहां हम काम करते हैं वहां पे क्या क्या आपदाएं आ सकती हैं, उनके बारे में जो सूचनाएं हैं और इंफॉर्मेशन है क्या क्या अवेलेबल है उसको इकट्ठा करना, स्पेशलिस्ट से जाके सीखना या वेबसाइट से जाके देखना कि हमारे एरिया में क्या क्या आपदाएं आ सकती हैं जो कि प्रकृति की तरफ से हैं। जैसे किसी इलाके में फ्लड्स आ सकते हैं या कहीं पे भूकंप आ सकते हैं। जैसे कि भारत में 59% जो लैंड है उसमें भूकंप आ सकते हैं, 12% जो भूमि है उसमें बाढ़ें आ सकती हैं। पर बाढ़ तो आजकल शहरों में भी आ जाती है क्योंकि अचानक जो बादल फटने का, जैसे मूसलाधार बारिश, बम्बई डूब गया, दिल्ली में भी आ चुकी। कहने का मतलब है कि कुछ आपदाएं हैं जो सब जगह आ सकती हैं और जो मानव जनित आपदाएं हैं वो कहीं पे भी आ सकती हैं। इसलिए हमें ये देख के रखना है कि सबसे पहले कि हमारे यहाँ पे क्या आपदाएं आ सकती हैं, फिर उसके लिए क्या निजात, यानी कि एक प्लान बनाना, अपनी फैमिली का एक प्लान बनाना, उसको प्रैक्टिस करना और उसको एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सप्लाईज की, क्या क्या सामान जरूरत हो सकता है आपदा के समय में वो इकट्ठा करना। तो कई सारी रिसर्चेस पूरी दुनिया में की हुई कि प्रैक्टिस करते हैं उनकी जाने कम जाती हैं आपदाएं आने पे, बल्कि उनकी जान क्या माल की भी हानि कम होती है क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल काफी ऊपर होता है। अब फैमिली इमरजेंसी प्लान जो हमने बनानी है उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी जो आएगी, कभी भी आएगी, तो वो अचानक आती है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। उस वक्त हम क्या होंगे हमें नहीं पता। हम कुछ लोग, हमारे बच्चे हो सकता है स्कूल में हो, पति हो सकता है एक ऑफिस में हो, पत्नी दूसरे में हो, घर में कुछ लोग हो बूढ़े, तो हम कौन कहाँ पे होगा हमें नहीं पता, क्योंकि आपदा किस वक्त आएगी किसी को नहीं पता। तो इसलिए पहले से हम ये प्लान करके रखें कि ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे से संपर्क कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है एक दूसरे से संपर्क करना कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। और उसके लिए ये भी प्लान करके रखना कि हम आपस में फिर मिलेंगे कैसे, अपने अपने स्थान से हम कहाँ मिलेंगे, और हर एक सिचुएशन को इमेजिन करके हमें याद रखना है कि एक मीटिंग पॉइंट अपनी फैमिली को पता होना चाहिए कि घर के बाहर, क्योंकि अगर भूकंप या बाढ़ से हमारा घर ग्रस्त होता है तो हमें घर के बाहर एक मीटिंग पॉइंट हम सबको वो पता होना चाहिए। हो सकता है वो हमारी कॉलोनी के भी बाहर होना चाहिए, और एक मीटिंग पॉइंट काफी दूर, यानी कि हमारे शहर से भी बाहर, हमारे शहर या गांव के एरिया से दूर होना चाहिए, ताकि अगर बहुत बड़ा इलाका ग्रस्त होता है तो वो मीटिंग पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कई आपदाओं के आने पे, जैसे तूफान या भूकंप, तो कई बार टेलीफोन कनेक्शन भी इफेक्ट हो जाते हैं, जो बिजली के खंभे टूट जाते हैं, टेलीफोन के खंभे टूट जाते हैं, तो टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे में आपस में मिलना काफी कठिन हो सकता है। तो एक ये चीज की हमें मीटिंग लोकेशन पता होना चाहिए। दूसरा एक और बात कि हमारे शहर या गांव से काफी दूर किसी रिश्तेदार का या किसी मित्र का भी हमें पता ठिकाना याद रखना है, उसका फोन नंबर,
क्योंकि अगर हमारे इलाके के फोन नहीं चल रहे तो हम उसको फोन करके बताएंगे कि मैं स्कूल से निकलकर इधर फंसा हूँ या मैं ऑफिस से निकलकर इधर फंसा हूँ, ताकि हम अपने परिवार वालों को, मेरा परिवार वाला भी उसी को फोन करके पता करेगा और बताएगा, और इस तरह से हम जो लोग हैं एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो ये आपदाएं आती हैं तो लोकल टेलीफोन नेटवर्क तो खराब हो जाता है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ठीक रहती है। यानी कि स्पेशली जैसे आजकल व्हाट्सएप कॉल होती है, वो इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट से होती है, उस पर कम असर पड़ता है, और वो अभी चालू होती है और उसके जरिए हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कई बार लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और इस रिश्तेदार का नंबर हमारे मोबाइल में भी कहीं पे हमें डाल देना चाहिए, जो एक होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी फोन, तो हमें अपने परिवार वाले का नंबर और एक ये दूर जो रहने वाला रिश्तेदार है उसका नंबर हमें डाल देना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर हम बेहोश हो गए हैं तो हमारे मोबाइल से जब बचाने वाले लोग नंबर देखेंगे तो उनको उस रिश्तेदार का नंबर मिल जाएगा और वो उसको इतला दे देंगे हमारी स्थिति की। और एक और बात कि हमारे हर परिवारजन के मेडिकल जो इंफॉर्मेशन है कि उसकी उसको कोई बीमारी है, किसी को अगर शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, ये सब एक कार्ड पर लिखा होना चाहिए और वो कार्ड हमें हर वक्त अपने पास रखना चाहिए। वही बात कि अगर हम कहीं बेहोश हो जाते हैं और हमारा इलाज करने वाले को ये पता होना चाहिए पहले से कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा मेडिकल स्टेटस क्या है, ताकि वो इलाज करने में देरी ना करें, उनको टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, वो सीधा इलाज करेंगे जल्दी से जल्दी और हमारी जान बच सकती है। और ये कार्ड हमें हमेशा अपने पास रखना है और ये कार्ड हमें हर फैमिली मेंबर का बनाना है, उसके पास रहना चाहिए। अच्छा, अक्सर हमारे सब फैमिली मेंबर्स को मैसेज भेजना भी आना चाहिए, यानी कि कुछ जैसे हमारे परिवार में बूढ़े लोग हैं या बच्चे भी हैं, हमें उनको भी मैसेज भेजना सिखाना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया है, जो कि मैंने बताया बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से है तो उसका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगा। तो सबको, बूढ़ों को भी सिखाइए, अपने घर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ऑफिस में भी जो क्लास 4 या जो वर्कर्स हैं, उनको भी सिखा दीजिए, वो भी अपना फायदा भी करेंगे और क्या पता ऐसी स्थिति में हमें भी बचा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज है कि हमें अलर्ट सर्विस को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, जैसे कि मोबाइल में ही आजकल न्यूज अलर्ट आ जाता है, वो एकदम से बता देता है कि यहाँ भूकंप आ गया या यहाँ तूफान आ गया, यहाँ तूफान आने वाला है इतने घंटों में, या टिड्डी दल आने वाला है, जैसे कि अभी तो उत्तर भारत में बहुत अधिक इसका भी मुसीबत चल रही है। तो ये सब अगर हम कर लेते हैं तो उससे हमें एक विश्वास भी रहता है कि कोई आपदा आने पे कुछ ऐसा बुरा हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि एक डिजास्टर किट तैयार करना। किट का मतलब कि एक तरह से एक बैग, क्योंकि अगर हमें घर छोड़ के जाना है तो हो सकता है बाहर खाने पीने का इंतजाम नहीं, वैसे सरकारें करती हैं, सब रिलीफ देती हैं, मगर अगर नहीं है तो कम से कम उसमें 3 दिन के हमारे खाने का इंतजाम होना चाहिए, और सूखा खाना हो जो खराब नहीं हो, हमने बैग में रखा हुआ है पता नहीं कब काम आए, कुछ महीनों तक वो ठीक रहे। पानी, पीने का पानी होना चाहिए, और दवाइयाँ हर एक की, अगर किसी को जैसे मैंने बताया डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसकी वो दवाइयाँ रहनी चाहिए, और कुछ आम दवाइयाँ जो फर्स्ट एड के लिए चाहिए हो सकती हैं वो होनी चाहिए। साथ में एक टॉर्च हो तो बहुत फायदा है, क्योंकि अगर रात है उस वक्त, जैसे भूकंप आया रात है, अब हमें घर से बाहर निकलना तो कैसे देखेंगे रास्ता, एक टॉर्च होना चाहिए। एक छोटा सा रेडियो जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, और उसके लिए बैटरीज, और ये टॉर्च के लिए भी स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए, और साथ में जो हमारे जरूरी कागजात हैं, कहीं आपको पता है भूकंप आने के बाद अक्सर बिल्डिंग में आग लग जाती है, अधिक जाने भूकंप से नहीं आग लगने से जाती है,
तो ऐसा ना हो उसके लिए हम अपनी सामान जो बहुत जरूरी है, यानी कि हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमारे इंश्योरेंस पेपर्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे बैंक के कागज हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे जितने भी जरूरी कागज हैं एक प्लास्टिक के थैले में लपेट कर हमें उस बैग में रख लेने चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, जिससे हमको रिलीफ मिलने में भी मदद हो सकती है। तो ये हमारी एक किट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। साथ में अगर जब हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने घर की मेन बिजली का स्विच बंद करके जाएं, क्योंकि पता नहीं पीछे से अगर बाढ़ या कोई भी जो भी आपदा आई हुई है उसमें हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में जो गैस की पाइपलाइन सप्लाई आ रही है वो बंद कर दीजिए, अगर गैस का सिलेंडर है तो उसका नॉब बंद करके जाइए ताकि उससे आग का खतरा ना हो। और ये सब जो है वाल्व्स हमें सबको पता होने चाहिए, मेन वाटर सप्लाई भी बंद करके जानी चाहिए। तो ये जो वाल्व्स हैं हम सबको पता होना चाहिए हमारे घर में किधर है, और साथ में हमारे परिवार का जो प्लानिंग है उसमें हर एक की ड्यूटी भी उसको पता होनी चाहिए कि अचानक ऐसी आपदा आने पे कौन क्या क्या करेगा, कौन गैस को बंद करेगा, कौन जो है बड़ा घर का आदमी वो बिजली का काम करेगा कि बिजली बंद करनी है, कौन और चाबियां कौन उठाएगा, कहाँ पे चाबियां रखी, ये जो हर एक की ड्यूटी बंदी होनी चाहिए, और बैग कौन उठा के लाएगा, क्योंकि उस वक्त शायद कई बार सेकेंड्स भी कीमती हो जाते हैं, जैसे भूकंप जैसी आपदा में तो एकदम से निकल के भागना है तो उस वक्त बात करके एक दूसरे को बताना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये सब तैयारियां हमें पहले कर लेनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या आपदाएं, अब जो जाने जाती हैं वो आपदाओं के अलावा मैं तो कहती हूँ इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर की तरह, अगर घर के फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक, आपको पता है हमारे देश में हर साल 15 लाख लोग सिर्फ हार्ट अटैक के कारण मर रहे हैं, और भी कई सारे कारण हैं जिनके कारण मौतें हो जाती हैं, मगर खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मौतों से बच सकते हैं। आइए मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करती हूँ आज कि क्या कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहती हूँ, छोड़िए इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को, आप ये बताइए कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके गले में कुछ अटक जाए और आपका सांस को रोक ले, आपको पता है वो भी जानलेवा हो सकता है, चोकिंग कहते हैं उसको। आप हमारे अपने एयरफोर्स के जो चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी, इतने लायक अफसर, एयरफोर्स के हेड, उनकी जान चली गई थी, वो खाना खा रहे थे, आसपास लोग थे, कोई उनको बचा नहीं पाया। उन्होंने हमें हमारे देश के इतने युद्ध लड़े और इतने हमारे देश को सुरक्षा दिया और हम में से कोई उनको बचा नहीं पाया, यानी कि कमी है, जानकारी की कमी है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा है। क्या करना चाहिए अगर गले में कुछ अटक जाए खाना खाते वक्त? अक्सर लोग क्या करते हैं, एक गिलास पानी पकड़ा देते हैं। अब पानी पकड़ा रहे हैं, आपको पता है गले में जो पकड़ खाना फंसा है वो जानलेवा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जो मुंह से खाना खाते हैं वो फूड पाइप, हमारे जो खाने की पाइप से ऐसे खाना जाता है पेट में, और साथ में ही है हमारा सांस का रास्ता, नाक से सांस लेते हैं और सांस की पाइप से फेफड़ों में जाता है सांस, और हम 24 घंटे सांस लेते हैं तभी जीवित रहते हैं। आपको पता है सांस अगर कुछ देर भी रुके तो जानलेवा हो सकता है, कितनी देर तक अगर सांस रुका रहे रुक जाए तो जानलेवा हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट अगर किसी का सांस रुके तो वो मर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे बॉडी के सेल्स को हर वक्त चाहिए ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए, नहीं तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क है, अगर उसमें ऑक्सीजन 10 मिनट नहीं पहुंचती तो वो मर जाता है, और अगर अगर ब्रेन मर जाए तो कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो वो उसको फिर से जीवित नहीं करा जा सकता। तो यानी जरूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें हर वक्त मिलती रहे। अब ये खाने का टुकड़ा ये उड़ के हमारे मुंह से हमारे सांस के रास्ते में चला गया, क्योंकि एक पॉइंट होता है जहां पे खाने की पाइप और सांस लेने की पाइप मिलते हैं गले में,
और वहां पे वो जाके फंस गया है और उसने सांस रोक दिया है, सांस रोक दिया है, 10 मिनट सांस नहीं आया तो जानलेवा हो जाएगा। और इसलिए जिसका सांस रुकता है थोड़ी देर में नीला होने लगता है और नीचे भी गिर जाता है और देखते देखते जान चली जाती है। तो क्या करना चाहिए हमें, देखिए बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर गले में किसी के कुछ फंस गया है तो वो बात भी नहीं कर पाता, ऐसे उसके उसने हाथ बस किया होता है, उससे हमें समझना चाहिए कि उसने उसका सांस रुक रहा है। और किस तरह से उसको बचाएंगे, देखिए मैं इस मैनेकिन पे करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये एक रबड़ का पुतला है, अब इसके गले में फंस गया है तो उसको आगे झुकाएंगे, क्या करेंगे उसको आगे झुकाएंगे और उसके पीठ के ऊपर 5 जोर की थप्पड़ मारेंगे। याद रखिए जब थप्पड़ मारेंगे तो जो पाइप में फंसा है वो निकल जाएगा और इसकी जान बच जाएगी। मगर बहुत जरूरी है एक सावधानी कि खड़े रख के नहीं मारना, अगर खड़े रख के मार दिया तो और नीचे चला जाएगा उसकी पाइप में और नहीं भी जाती जान जरूर चली जाएगी। इसलिए सावधानी है। मैंने कोशिश कर रही हूँ इस प्रोग्राम में आपको ये समझाने की कि वो क्या क्या गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर लेते हैं, उसके कारण उनकी जान चली जाती है। इसलिए आप ध्यान से देखिए क्या गलती नहीं करनी, कि थप्पड़ मारने हैं पर उसके लिए पहले इसको झुकाना है, इसको झुका के फिर जोर की मैं 5 थप्पड़ मारूंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। थप्पड़ मारने से इसके गले में जो फंसा था वो निकल जाएगा और नीचे गिर जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अधिक फंसा हुआ है तो क्या करेंगे, मैं फिर बताती हूँ कैसे करेंगे। एक और चीज कर सकते हैं, इसके पेट पे हम जोर की दबाव देंगे। कैसे देंगे, मैं ऐसे एक मुट्ठी, उसके ऊपर मेरी दूसरी मुट्ठी और इसके पेट में, यानी कि ऊपर है हमारी हड्डियां, ये नरम जगह जो पेट की है उसमें ये मुट्ठी रखेंगे और फिर से इसको झुकाते हुए मैं जोर की खींचूंगी ऐसे। अपने ऊपर मैं करके दिखाती हूँ, जैसे ये पेट में जोर की ऐसे 2, 3 ऐसे करूंगी तो मुंह से जो खाना है, खाने का टुकड़ा, वो निकल के गिर जाएगा। देखिए आगे झुका के, आपको दिख रहा है क्या, 1, 2, 3 जोर की छटके से मुट्ठी से दबाव डालना है, उससे जो खाना खाए का टुकड़ा अंदर उसके गले में फंस रहा है वो निकल के गिर जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। अब इसके बाद मुझे एक और बताना है जो गलती लोग करते हैं कि कोई भी अगर मरीज सीरियस है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या घर में भी है, हॉस्पिटल में भी है, ये जरूरी है कि हम उसको करवट लिटाएं, सीधा ना लिटाएं। करवट लेटा यानी ऐसे दाएं या बाएं कर, अगर हम सीधा रखते हैं उसको तो देखिए कोई अगर सीरियस है, जैसे उसके सिर पे चोट लगी है, वो नीचे गिरा तो उसको उल्टी आ सकती है, उसको अगर हार्ट अटैक हुआ तो उसको उल्टी आ सकती है। अब ऐसे लेटे होने पे उसको उल्टी आई तो वो बेहोश है या कम होश में है, उल्टी आई मुंह में रह गई, वो खाने का टुकड़ा उल्टी में से उसके सांस की नली में जा सकता है, क्योंकि वो ऐसे लेटा हुआ है, सांस की नली में जाकर उसका सांस रोक सकता है और उसकी जान जा सकती है। तो जान अगर उस हार्ट अटैक से नहीं गई या उस चोट से नहीं गई कहीं से नीचे गिरने से, तो सीधा लेटाने से उसकी जान जा सकती है। इसलिए सेफ जो पोजिशन है वो है करवट से लेटा, दाएं या बाएं करवट, जैसा भी सुविधा हो उसको ऐसे लेटाने से उसको लेके जाइए हॉस्पिटल या अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंस में, तो वो सही सलामत पहुंच जाएगा। अच्छा एक और, ये तीसरा एक जो गलती लोग कर बैठते हैं, चाकू, किसी ने चाकू मार दिया तो उसको कैसे बचाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं उसको बाहर खींच देंगे, है ना, पिक्चर में भी ये दिखाते हैं, हिंदी पिक्चर में यही दिखाते हैं, हीरो क्या करता है, विलन ने चाकू मारा किसी को,
हीरो कहता है मैं इसको बचाऊंगा, इसका चाकू बाहर निकाल देता हूँ, मेरे हाथ के निशान रह जाएंगे, कुछ नहीं होता, पुलिस पकड़ लेगी मुझे, पर मैं तो हीरो हूं, मैं तो बचाऊंगा। अब जानते हैं ये सबसे गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाकू किसी के शरीर के अंदर घुसा है, नुकीला, उसने जाके काटा अंदर। क्या क्या काटता है चाकू अगर अंदर घुसा है तो? अब हमारे शरीर में बहुत कुछ है, जैसे सबसे जरूरी है हमारी नर्व्स, है ना, नसें, नाड़ियां, हमारा खून भी जो चल रहा है शरीर में वो पाइपों में चल रहा है, दिल जो भेज रहा है, सब पाइपें, जो टांगे बाहें, सारे शरीर में ऐसी पाइपें खून की चल रही हैं। अभी चाकू अंदर घुसा तो इसने काट दी ऐसी कोई पाइप, खून की पाइप काट दी। हाँ, जब तक अंदर घुसा हुआ है तब तक तो फिर भी वो डार्ट लगा हुआ है, अगर बाहर निकाल दिया तो ऐसे फुवारा निकलेगा खून का। आपको पता है हमारे अंदर शरीर में कितना खून होता है? 6 लीटर। 6 लीटर खून है सिर्फ, और 6 लीटर खून है, और इसमें से 1 लीटर अगर बह गया सिर्फ तो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि खून की कमी से हमारा दिमाग और हमारे फेफड़े, हमारा दिल काम नहीं कर पाएगा, इसलिए खून नहीं बहने देना चाहिए। तो इसलिए जब चाकू घुसाया किसी ने तो ऐसे ही अस्पताल लेके जाइए, डॉक्टर निकालेगा, निकालते ही खून नहीं बहने देगा, फटाफट टांके लगा के उसको सही कर देगा। अगर हमने उसको घर में या जहां पे भी उसको लगा पहले ही निकाल दिया चाकू, तो फुवारा निकलेगा खून का, और जब तक हम लेकर जाएंगे अस्पताल, रास्ते में 1 लीटर से अधिक खून बह जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। तो चाकू ने नहीं मारा उसको, अगर हमने उसको गलत तरीके से बचाया तो हमने मार डाला। तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे ही लगा लेकर लेके जाए और उसको सपोर्ट करके लेके जाए। तो ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूं कि बस कितनी थोड़ी सी जानकारी से हम मौत और जीवन में फर्क कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपदा पे आते हैं, बाढ़। ये जो मौसम है इसमें हमारे देश में पिछले साल भी कितनी बाढ़ आई, बारिश आ चुकी है, अब मानसून क्या रंग दिखाते हैं, सब खुदा पे है, मगर हमें तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपको याद है मुंबई डूबा, पुणे डूबा, और तो कर्नाटक के कितने शहर डूबे, उससे पिछले साल पूरा केरला ही डूब गया था ऊपर से लेके नीचे तक, और हर साल ही टीवी में खबर आएगी और हम देखेंगे मंजर। आपके एरिया में बाढ़ आ सकती है कि नहीं ये आप पता लगाएं। मगर अब तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के होते, बहुत अधिक बारिश जब एक टाइम में हो जाती है, यानी रात भर में बारिश हो तो सुबह तक बाढ़ का स्थिति हो जाती है, जिसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, वो आजकल उसका जो संभावना है वो कहीं पे भी बाढ़ ला सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स कहीं पे भी आ सकते हैं, यानी कि चुटकियों में, यानी कि कुछ ही घंटे, 4-5 घंटे, और इतनी अधिक बारिश कि जल थल हो जाता है। तो इसलिए हमें बाढ़ में क्या करना है, उससे बचना कैसे है, आपको याद है 2005 में तो मुंबई में ऐसी बाढ़ आई थी कि 2 दिन तक, 2 मंजिल 1.5 मंजिल तक पूरा मुंबई डूबा रहा, सारी बिजली उड़ गई, सब कुछ, टेलीफोन, लोग कारों में अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही घुट के दम मर गया, कितने हजारों लोग मर गए थे उस 1.5 दिन के अंदर। तो बाढ़ का कारण क्या है वो तो हम जानते हैं कि तेज बारिश के कारण, बट शहरों में तो जो ये पुराने शहर है स्पेशली, इनकी अनप्लान्ड शहरीकरण जो हो रखा है ना वो बड़ा नियोजित नहीं है, यानी कि कई जगह जो पानी के निकास के नाले हैं उनके ऊपर कब्जा हुआ है, कई नाले नालियों में कई बार गाद जमा रहता है और वो टाइम से निकालते नहीं हैं, पुरानी पाइपें हैं तो बदली नहीं है, तो अब आबादी बढ़ गई है, बारिश जो ये फ्लैश फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज के होते बढ़ गई है, उसके निकास के लिए कोई बड़ी पाइपें नहीं डाली हैं, वही पुरानी पाइपें पड़ी हुई हैं, कई बार तो टूटी फूटी, तो खराब जल और सीवेज का प्रबंधन मैं कहूंगी मेन कारण है बाढ़ आने का। हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सरकारों का काम है करना। हम क्या कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि बाढ़ आने पर खतरे क्या पैदा होते हैं। सबसे पहला खतरा जो होता है जानलेवा वो है डूबने का, और दूसरा खतरा जिससे
डूबने से भी कहीं ज्यादा अधिक जाने जिसके कारण जाती हैं वो है बिजली का झटका। मैं तो न्यूज़पेपर में अक्सर यही खबरें ज्यादा पढ़ती हूँ, तो हर साल कितना एक दो यहाँ इधर यही खबर आती है, बिजली का झटका लगा और जान चली गई। मेरी अपनी कॉलोनी में कुछ साल पहले एक बच्ची बारिश के बाद बाहर आई और वो बेचारी खेल रही बाकी बच्चों की तरह, बॉल के साथ खेल रही, और वो बॉल चली गई उसकी, पानी का छोटा सा गड्ढा था उसमें बॉल चली गई, वो उसको उठाए रही है। उसको पता नहीं था कि जो बारिश आने से पहले जो तूफान आया था, तेज बारिश हवाएं चली थी, उससे वहां जो तार थी बिजली की तार वो टूट के गिर गई थी उस पानी के गड्ढे में। उसने जब बॉल उठाने के लिए अंदर हाथ छुआ उस पानी को, बेचारी को बिजली का झटका लगा और वो पकड़ी गई। सामने पिता उसका देख रहा था, वो भागा अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो भागा तो वो भी साथ में चिपक गया, तो दो जाने चली गई। अब इससे क्या पता चलता है, उस पिता को, वो तो बच्ची थी, उस पिता को ना अपनी बच्ची को बचाना आता था ना उसको खुद बचाना आता। तो देखिए बारिश के सुहाने मौसम के बाद, बारिश जब हो जाती है उसके बाद कितना प्यारा मौसम हो जाता है, और उसमें उस परिवार की दो जाने चली गई जस्ट थोड़ी सी कम जानकारी के कारण। तो हम समझ सकते हैं क्या खतरे हैं, डूबना और बिजली का झटका। तीसरा खतरा जो होता है बाढ़ से, कि बाढ़ का पानी खतरनाक होता है, क्योंकि वो न जाने क्या क्या अपने साथ लेकर आया है। साथ में कहीं कोई फैक्ट्री है, वहां कोई जहरीला पदार्थ या केमिकल होता है उसको ले आया है, सूवेज का गंदा पानी वो साथ में मिल गया उस बाढ़ के पानी में, तो बाढ़ का पानी अपने आप में ही बड़ा खतरनाक और बीमारियां देने वाला होता है। चौथा खतरा जो होता है, सांप और ऐसे कुछ जहरीले जानवर। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण उनके जो बिल या घर होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो ये जानवर घबरा के बाहर निकल आते हैं और अब घबराए हुए घूम रहे हैं, अगर आप ऐसे पानी में घुसेंगे तो ये आपको डस लेंगे, तो इसलिए कई जाने जाती हैं इन जानवरों के कारण। और पांचवा खतरा तो बाढ़ में होता ही है, जो गंदी बीमारियां, हैजा, मलेरिया, डेंगू, रेबीज, प्लेग आदि, ये बहुत होती हैं बाढ़ के मौसम में। तो क्या करना चाहिए, हम अपना बचाव कैसे करें? इसके लिए सबसे जरूरी है कि सफाई, यानी कि साफ पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि बाढ़ के मौसम में जो हमारी पानी की सप्लाई हमारे घर में भी आ रही है उसमें भी दूषण होने का चांस होता है। तो इसलिए जो भी पानी हम कुछ भी कर रहे हैं, खाने पीने का काम, अपने अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, हमेशा साबुन से हाथ धोएं, हो सके तो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। अगर घर का पानी, जैसे कि मेरे घर में जो पानी की टंकी है वो तो जमीन के नीचे हमने गाड़ी हुई है, क्योंकि पानी इतना कम आता है, तो इसलिए फ्लो बनाने के लिए हमने पानी की टंकी नीचे रखी हुई है, हम उसको रोज मोटर से ऊपर खींचते हैं, छत वाली टंकी में जाता है, फिर मुझे पानी मिलता है। तो ऐसे में बाढ़ आएगी तो क्या होगा, मेरा तो जो पीने का पानी का सप्लाई का टंकी है उसमें गंदगी चली जाएगी सारी, बाढ़ का पानी चला जाएगा और वो दूषित हो जाएगा, तो हम फिर घर में कैसे अपने आप को पानी कैसे कैसे यूज करेंगे। ऐसी ऐसे केस में फिर हमको क्लोरीन की गोलियां या आयोडीन की गोलियां हम अपनी पानी की टंकी में डालेंगे, या घरेलू ब्लीच भी डाल सकते हैं, उससे फिर पानी थोड़ा साफ हो जाएगा और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पीना है, पीने के या खाने के काम में लाना है, तो फिर उस पानी को उबालना भी बहुत जरूरी है। मगर बाढ़ के पानी से कभी घाव को मत छूने दीजिए, जैसे कि किसी भी कारण हमें बाहर जाना पड़े और हमारे पैर में स्पेशली अगर घाव है कोई और हम पानी में जाते हैं, तो घाव में बहुत जल्दी इन्फेक्शन आ जाएगा, पानी में इन्फेक्शन है, सारा गंदगी मिली हुई है और घाव को छूते ही इन्फेक्शन, क्योंकि देखिए जब हमारी त्वचा ठीक ठाक है तो वो हमें बचा रही है, हाँ, जैसे ही इसमें कट लगता है तो इसके अंदर संक्रमण जाने का चांस बढ़ जाता है, बढ़ क्या जाता है, बहुत आसानी से चला जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन तो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे केस में अगर हमें जाना पड़े पानी, बाढ़ के पानी में, तो उस घाव को हमें जरूर बचाना है, प्लास्टिक की पन्नी बांध दीजिए उसके आसपास, अगर मजबूरी में जाना पड़ रहा है प्लास्टिक की पन्नी बांध दीजिए, बड़े जूते पहन लीजिए, गम बूट्स जो होते हैं, मगर उसको जरूर बचाइए, नहीं तो बहुत बीमारियां फैलती हैं, संक्रमण की बीमारियां बाढ़ के मौसम में बहुत होती हैं।
तो बाकी और जो बचाव है वो तो मच्छर वगैरह से और ये कीड़े पतंगों से करना है, और जैसे मैंने बताया सांप और बिजली का झटका, उसके लिए भी जब हम पानी में अगर कभी जाना पड़े मजबूरी में, तो एक तो ये गम बूट्स पहन के जाइए और डंडा, एक लकड़ी का डंडा लेके जाइए। उससे क्या है कि आप जा रहे हैं और उसमें अगर कोई सांप बिच्छू कोई है तैर रहा, तो आप उसको उड़ा के फेंक देंगे उस डंडे से। और साथ में कोई अगर आपको लगे कि ये तार है उस गड्ढे के अंदर से मुझे होके निकलना है, तार शायद करंट ना दे रही हो इस तार में, तो उस करंट को भी, करंट वाली तार को आप उस लकड़ी के डंडे से हटा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी अपने में करंट नहीं लेती है, तो आपका बचाव रहेगा। मेरे कुछ साल पहले मैंने एक मौत होती देखी ऐसे ही बाढ़ के कारण, और बल्कि इतनी इतना पानी बरसा भी नहीं था, 2-3 घंटे की तेज बारिश हुई थी, सड़कें भर गई थी पानी, यानी कि पटरी पे पानी नहीं था, सड़क ही भरी थी अभी पानी से। तो बारिश रुकी तो मैं और मेरे पति हम घूमने के लिए बाहर निकले, तो हम अपनी गाड़ी में बैठे थे और हम देख रहे हैं कि एक लड़की हमने देखी, जवान लड़की, हाँ अच्छी हट्टी कट्टी दिख रही थी, और वो शायद ऑफिस से आ रही थी, शाम के 7 बजे का टाइम था, 6-7 बजे का। और थोड़ी देर में एक लड़का हमने देखा, हमारी गाड़ी को ऐसे ऐसे करने लगा, ठक 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 ठक, आपने मेरी बहन देखी, मेरी बहन देखी। ना क्या हुआ? हाँ हमने तो देखी तो थी, अभी पता नहीं कहाँ गई। और उसके बाद हमने देखा खूब पुलिस वगैरह आई और ढूंढते रहे वो शायद सारी रात। अगले दिन हमने जो अखबार में पढ़ा कि एक लड़की और जो हमारे इलाके की, जो उसको जो नीचे गटर ने अपने अंदर ऐसा खींच लिया कि पुलिस वगैरह के ढूंढने के बावजूद मिली नहीं उसकी लाश, सिर्फ चुन्नी मिली, 3 कॉलोनी आगे जाके सिर्फ चुन्नी मिली उसकी, लाश नहीं मिली। तो यानी कि मैं कह रही हूं कि एक हट्टी कट्टी लड़की भी अपने आप को नहीं बचा पाई इतने से पानी में, क्योंकि शायद जब वो अपनी बस से उतरी, ऑफिस से आते का जो बस से उतरी, तो उसका पैर जो गया पानी था, उसने देखा नहीं कि वो एक मैन होल का यानी कि जो गटर था उसका, उस ढक्कन पे उसका पैर गया शायद। तो वो तेज जो पानी आ रहा था उसके कारण ढक्कन हिल चुका था और उसका पाँव गया उस गटर में, और गटर में क्योंकि पानी जा रहा होता है, बाढ़ का पानी बड़ी तेज स्पीड से जा रहा होता है, उसको खींच लिया उसने, उसके पूरे शरीर को गटर ने अंदर खींच लिया और वो बेचारी उसके कारण मर गई। तो जो मैं बता रही हूं कि आप बाढ़ के पानी में जाएं तो उससे बचने के लिए क्या करें, ये डंडा आपके काम आएगा। आप इस डंडे से छू छू के देखते रहिए कि जो बाढ़ का पानी है उसमें ऐसा कोई गड्ढा तो नहीं आ रहा, ऐसा कोई गटर तो नहीं है कि मेरा पैर उसमें चला जाए, या कोई, कई बार जब बाढ़ का पानी अपने साथ काफी मलबा भी ले आता है, कई बार कहीं से कोई कांच, तेज कांच ले आएगा, उससे भी आपको कट लग सकता है। तो आप इस डंडे से महसूस कर सकते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है खतरनाक जब आप बाढ़ के पानी में घुस रहे हैं, कोशिश करके तो घुसिए मत, और मोटे जूते, कम बूट्स, यही आपको बचाएंगे। अच्छा, ये पहला खतरा जो मैंने बताया था डूबने का, उससे कैसे बचें? आपको पता है डूबने से क्यों जान जाती है और कैसे बचाया जा सकता है? कई लोग मर चुके हैं, आप कितना संख्या भी बड़ी। सबसे गलती क्या करते हैं इसमें, क्यों जान चली जाती है? जैसे कि हमारे हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं, कोई डूब रहा है, उसको हीरो ने बचाया, जैसे ऋतिक रोशन ने बचाया वो हीरोइन को, उसकी पहली पिक्चर कौन सी थी, क्या था, कहो ना प्यार है, वो लड़की को बचा के लाता है, फिर वो क्या करता है उसको उसको बाहर निकाल के उसका पेट पे दबाव डालता है, पेट पे दबाव डालता है, क्योंकि लड़की बेहोश है, उसको होश में लाने के लिए उसके पेट में दबाव डाल रहा है। अब पेट में दबाव डाला और उसके मुंह से पानी निकला, थोड़ा सा पानी निकला और वो ठीक हो गई। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल, कभी भी पेट पे दबाव नहीं डालना। अगर डूबते हुए को हमने बचाया है तो पेट पे दबाव डालेंगे तो क्या होगा? अरे देखो, पेट में जो पानी गया है वो तो कोई नुकसान करता नहीं है, पानी तो हम रोज ही पी रहे हैं ना, तो पेट में दबाव डालेंगे। अब वो पानी निकल आया पेट से, तो साथ में जो खाना खाया है, कुछ खाना खाया है,
पड़ा है उसका टुकड़ा वो भी निकल आया, मुंह में निकल आएगा और निकल आया और अब सीधी लेटी हुई है तो वापस वो खाने का टुकड़ा अब उसके सांस की नली में जा सकता है और सांस को रोक सकता है। तो डूबने से तो मरी नहीं, हमने मार दिया उसको क्योंकि हमने पेट में दबाव डाला। कभी नहीं करना, क्या करना बाहर निकालने के बाद, बस ये करना उसको करवट से लिटा देना, रिकवरी पोजीशन कहते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ऐसे करवट से लिटा देना। नहीं तो उल्टा भी लिटा सकते हैं, उल्टा भी लिटा सकते। अभी क्या है, ऐसे लेटने में अगर उसको उल्टी आ भी गई और मुंह से पानी निकला, पेट में से पानी निकला, तो वो निकल के खाने का टुकड़ा साथ में निकला, कोई झाग निकली, तो वो बह जाएगी और उसके वापस सांस की नली में जाकर उसका सांस नहीं रुकेगी और उसकी जान नहीं जाएगी। पहली गलती तो ये करते हैं लोग। दूसरा, अब क्या करना है, दूसरा ये बात कि बचाएं कैसे। पहले तो जो डूब रहा है उसको कैसे बचाएं। देखिए, जो पानी के अंदर डूब रहा है उसकी सांस उखड़ रही है, यानी उसके अंदर पानी जा रहा है या उसकी सांस घुट रही है। अच्छा नहीं, पहले मैं ये बताना चाहती थी कि फिर जान क्यों चली जाती है, कि अगर पानी पेट में गया है तो वो तो नुकसान नहीं करता, तो जान क्यों जाती है। जान इसलिए जाती है डूबने से क्योंकि वो पानी जाता है नाक के रास्ते से सांस की नली में, और सांस की नली से जाके वो फेफड़े में जा रहा है, और इसलिए जान जाता। मगर वो फेफड़े में जब जाता है तो जैसे ही फेफड़े के शुरुआत यानी एंट्री पॉइंट पर टच करता है तो फेफड़े अपने आप ही उस रास्ते को बंद कर देते हैं। ये भगवान ने हमारी ऐसे रचना की है कि बचाव के लिए, कि जैसे ही पानी फेफड़े में घुसने लगता है तो वो पाइप अपने आप टाइट होके बंद हो जाती है, वो अंदर पानी नहीं जाने देती। यानी कि अगर पोस्टमार्टम अगर देखते हैं हम जाके जो अस्पतालों में जिनकी जान जाती है डूबने से, तो उनकी फेफड़ों में पानी नहीं होता है, तो फिर जान क्यों गई। अब क्या हुआ, जब ये पाइप टाइट हो गई तो अंदर सांस भी नहीं जा रहा। कितनी देर सांस रुका रहेगा कि जान चली जाएगी, 10 मिनट। और वो 10 मिनट पाइप टाइट रही और प्राण निकल जाते। तो इसलिए क्या करना है, पहली बात जैसे मैंने बताया बाहर निकालना है उसको, तो एक तो खुद नहीं कूदना उसको, अगर नदी तालाब वैसे तो सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं, पानी तो हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर नदी तालाब के अलावा, स्विमिंग पूल, आजकल पार्टियां होती है स्विमिंग पूल के पास, कभी नहीं होनी चाहिए, पानी खतरनाक चीज है। तो अगर कोई डूब रहा है तो उसकी क्योंकि फेफड़े में के पानी जाने के कारण उसको घबराहट हो रही है, तो वो हबड़ ताबड़ ऐसे हाथ मारेगा, आप जाएंगे उसको बचाने के लिए तो वो आपको भी खींच लेगा, तो एक की जगह दो जाने चली जाएंगे। देखिए, बचाव करना है चाहे वो हमारा परिवार का ही क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि अपना बचाव। अच्छा, ये स्वार्थ की बात नहीं है सिर्फ कि अपना मैं सोच रही हूँ, देखिए मैं बची रहूंगी तभी मैं उसको बचाऊंगी, और नहीं तो एक की जगह दो जाने जाएंगी। तो इसलिए पहले अपने बचाव का सोचना है, अपनी सुरक्षा का सोचना है, फिर उसका बचाव करना है ना। तो इसलिए जब कोई डूब रहा है तो ये नहीं कि घबरा के हो, ये मेरा परिवार का जन है, मेरी बहन है, मेरा बच्चा, फट से डूब आप कूदे और बचाने लगे। आपको तैरना आता है मगर वो फिर भी जब जो डूब रहा है वो इतना उसके अंदर पैनिक अटैक हो रखा होता है, पैनिक अटैक उसके दिमाग पे असर हो रखा होता है, वो घबराया होता है इतना कि वो आपको भी अंदर खींच लेगा, आपके ऊपर पैर रख के चढ़ के ऊपर चढ़ने को, ऐसा उसके दिमाग में वो हो रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई भी चीज उसके सामने आ रही है उसको खींच देगा। तो उसको समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, जान के नहीं कर रहा, मगर वो अपने बचाव में ऐसा एक इंस्टिंक्ट होता है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में, इससे अच्छा है कि आप खुद सुरक्षित रहे किनारे पे, कोई रस्सी या कोई बड़ा डंडा है उधर तो उसको ऐसे डालिए पानी में, वो डंडे को पकड़ लेगा, आप उसको खींच लीजिए, या कोई रस्सी है तो रस्सी का एक टुकड़ा आप पकड़िए, और बड़ी रस्सी है और उसको आप फेंक दीजिए पानी में, वो पकड़ लेगा रस्सी को और बाहर आप उसको खींच लीजिए। अगर दूर है और नहीं पहुंच पा रहा, उसको रस्सी को नहीं पकड़ पा रहा,
तो आपको उतरना पड़ रहा है पानी में, तो भी आप अपना बचाव करते हुए जाइए। क्या करिए, वो रस्सी का एक तरफ से आप अपने आप को घर कमर में बांध लीजिए अच्छे से, और दूसरा हिस्सा बाहर खड़े लोगों को पकड़ा दीजिए ताकि वो आपको बचा लेंगे और खींच लेंगे अगर आपको डुबोया गया उस दूसरा जना, तब आप पानी में उतरिए। फिर आप उसको लेकर आते हैं, अगर उसने आपको डुबोने की कोशिश करी तो बाहर खड़े लोग आप दोनों को ऐसे खींच लेंगे। और नहीं तो एक और कहते हैं कि अगर बहुत जल्दी है कुछ नहीं मिल रहा तो एक ह्यूमन चेन, ये भी एक तरीका है, यानी कि जो बाहर खड़े लोग हैं आपस में एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ते जाए और तब आप आगे जाएं और उसको अपने परिवार के सदस्य को बचा के ला रहे हैं, तो अगर डूबने का कोई चांस हुआ तो बाकी लोग सब ऐसे आप ह्यूमन चेन बनके आपको और उसको खींच लेंगे, यानी कि एहतियात बरतते हुए ही आप उसको बचाएंगे। बाहर लाने के बाद जैसे मैंने बचाया कि आप उसको रिकवरी की स्थिति में डाल देंगे, सीधा नहीं रखेंगे उसको ऐसे रिकवरी पोजीशन में, या फिर उल्टा रख देंगे, उल्टा रखने से भी मुंह से जो पानी वगैरह निकलना है वो निकल जाएगा। और इसके अलावा अगर वो होश में आ जाता है, ठीक हो जाता है, तब भी डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि उसके नाक में हो सकता है पानी गया हो, सांस की नली में पानी गया हो, उसके फेफड़ों को अगर पानी छू भी गया है, तो जो मैंने बताया था वो पाइप बंद हो जाती है, वो रिएक्शन अगले 12 घंटे में कभी भी हो सकता है। और आप उसको अगर घर ले आए कि ये तो अब ठीक हो गया है ना, होश में आ गया इसे, और घर में हो गया तो आप फिर कैसे बचाएंगे उसको, आप भागेंगे उसको लेके अस्पताल, कितनी देर लगेगी आपको पहुंचने में अस्पताल, हाँ कितनी देर लगेगी आपके घर से या ऑफिस से, कितनी दूर है अस्पताल, आप देखिए हो सकता है आपको पहुंचने में, अगर शहर में है तो ट्रैफिक भी नहीं पहुंचने देगा है ना, कोई गाड़ी अरेंज करेंगे सब करने में हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, और 10 मिनट अगर सांस रुका रहा तो जान चली जाएगी। तो इसलिए आप उसको सीधा वहीं से, जैसे ही उसको होश आता है, और आप उसको सीधा हॉस्पिटल ही लेकर जाएंगे, और वहां पे डॉक्टर 12 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखेगा। अगर उसके साथ वो प्रॉब्लम हो गई, यानी कि सांस की पाइप अपने आप से स्पैज्म और बंद हो गई, तो डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है, वो फटाफट खुल जाती है, सांस का रास्ता खुल जाने से उसकी जान बच जाएगी। अब आपने उसको बाहर निकाला मगर उसको होश ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल भी भागेंगे, मगर जैसे कि अभी हमने बात किया हो सकता है आधे घंटे से ऊपर लगे। और आप ये भी समझ लीजिए, ये नहीं है कि आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेंगे जाते ही आपको इलाज मिलने वाला है। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कई बार डॉक्टर होता ही भी नहीं है इमरजेंसी में, और सरकारी में होते हैं डॉक्टर तो इतनी भीड़ लगी होती है, आपसे अधिक सीरियस केस और है तो आप तो लाइन में लगेंगे, पर्चा बनाएंगे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपने परिवार के सदस्य को क्या मरने देंगे, नहीं, आप खुद सीखेंगे कि उसको कैसे बचाना है। मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत आसान है। तो बेहोश है, पहले तो आप ये देखिए घर, वैसे बेहोश हम किसी भी कारण से कोई हो सकता है, हार्ट अटैक हो या घर में भी कोई भी। हाँ जी जी, विषय बहुत बड़ा है, ये लंबा चलेगा, दूर दूर से दर्शक हमें प्रश्न भेज रहे हैं, कह रहे हमारे प्रश्न मैडम देंगी कि घर चली जाएंगी। इस बीच में आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारे साथ हमारे पुष्पेंद्र पाठक विधायक जी जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि कार्यक्रम के शुरू में दिल्ली में गंभीर भूकंप के झटके आए हैं, तो इससे कैसे बचे, अभी आप सब भाषण दे रहे हैं और हम कैसे बच पाएंगे, भूकंप आया है अभी अभी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी बातें कवर हो जाएंगी, आपने बड़े प्रैक्टिकल के द्वारा इस सब चीजों को बताया है, निश्चित रूप से उपयोगी जानकारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे अभी हमारे दर्शकों की इच्छा रहती है कि उनके प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर मिले तो उनको ज्यादा वो होगा। आपका विषय बहुत अच्छा है, आपने बड़े प्रैक्टिकल, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, 6 परिचर्चाएं हुई, पहली बार किसी ने जो है पुतला ला करके और इतने प्रैक्टिकल ढंग से बताया है। मेरे एक दर्शक ने बताया कि दिल्ली में भूकंप आए हैं, दीपन वर्मा है, सरिता विहार में रहते हैं, कह रहे हैं हम क्या करें, बताइए अंजलि जी।
मुझे भी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मेरे परिवार के सदस्य लाके दिखा रहे थे फोन में कि अलर्ट आ रहा है, भूकंप आ रहा है, अब इसको रहने दो, मुझे ये करना है, यहाँ पे भी जाने ही बचा रही हूँ। अच्छा, मैं ये एक छोटा सा जो आखिर रह गया, मैं ये टेक्निक जो सिखाना चाह रही थी ये कम्प्लीट करके उनके भूकंप वाले का मैं उत्तर देती हूँ। आप पहले देख लीजिए कि जब अगर हमने बचाया किसी को, जैसे कि कोई गिर गया घर में, सीढ़ियों से गिर गया, या भूकंप में, या किसी भी कारण से हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, कोई हमारा जो ये जन है अगर बेहोश है तो क्या करना है इसको? बेहोश है और हम इसको हिला के देखते हैं और इसको ये होश नहीं आ रहा, तो हमें ये देखना है कहीं जानलेवा, अब हम इसको लेके जा रहे हैं अस्पताल, मगर जैसे कि आधा घंटा है, कहीं इसका सांस तो नहीं रुक पा हुआ, तो हम इसके नजदीक जाके महसूस करेंगे कि सांस आ रहा है। अगर सांस नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज, हम इसकी नब्ज देखेंगे कि इसका दिल चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जीवित रहने के लिए दो सिस्टम चलते रहने चाहिए। एक तो हर वक्त श्वास चलता रहना चाहिए, हम ऑक्सीजन अंदर लेते रहें। अब ऑक्सीजन हम लेते हैं नाक से, फेफड़ों में जाती है, मगर पूरे शरीर को हर वक्त ऑक्सीजन चाहिए, सारे अंगों को। तो कौन पहुंचाता है? हमारे फेफड़ों से, हमारे दिमाग और सारे लिवर, सारे बॉडी पार्ट्स को खून, और खून को कौन चला रहा है हमारे शरीर में? हमारा दिल। दिल हर वक्त धड़कता रहता है पंप की तरह, 24 घंटे जाते जागते सोते, और वो पाइपों के द्वारा हर शरीर के हिस्से में खून को पहुंचा रहा है। अब हमारा ये जो जन है ये बड़ा सीरियस है, हमने चाहे इसको डूबने से बचा लिया या कहीं जैसे भी बचा के हमने देखा कि ये बेहोश है, इसको होश नहीं आ रहा, तो हमने इसकी दोनों चीजें टेस्ट करनी कि सांस आ रहा है कि नहीं और दिल चल रहा है कि नहीं, उसकी नब्ज देखेंगे। ऐसे देखते हैं नब्ज, हम सबको पता है ऐसे दो उंगलियां रख के यहाँ पे नब्ज नहीं चल रही, इसका मतलब इसका दिल भी काम नहीं कर रहा, यानी कि इसके मौत होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं क्योंकि सांस रुका हुआ है। तो ऐसे में हम इसको जब ले जा भी रहे हैं तो हमें इसको बचाते हुए ले जाना है। कैसे करेंगे? CPR। वो क्या होता है? सबसे पहले हम इसके छाती पे, यानी इसकी छाती पे दबाव डालेंगे। दबाव डालेंगे कहाँ पे? आपको मैं दिखाती हूँ, सेंटर में, बिल्कुल इसके छाती के बीचों बीच, ये लाइन देखिए, और इधर मैं ये अपना एक हाथ ऐसे रखूंगी और दूसरा हाथ उसके ऊपर ऐसे, और इसको दबाना है। अभी ये मैं पहली बार ये प्रोग्राम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ठीक से मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, तो इसको दबाव डालना है दोनों हाथों से ऐसे, छाती दबनी चाहिए 1.5 इंच ऐसे जोर की। अब छाती के बीचों बीच हम दबाव डाल रहे हैं, जो दिल है वो तो इसके बाई तरफ है, लेफ्ट साइड में, मगर इधर डाल रहे हैं क्योंकि दिल काफी नीचे है और यहाँ पे हड्डियां हैं, इसको हमने जोर की दबाया तो दिल तक दबाव पहुंचेगा। अब दिल पे दबाव पहुंचा तो जो दिल का काम है वो दबाव करेगा, यानी पंपिंग हमने कर, बाकी सब शरीर के अंगों में खून चला जाएगा। तो जो एक काम रुक गया था इसके शरीर का एक सिस्टम, यानी कि खून का दौरा रुक गया था, वो हमने चला दिया। अब दूसरा, इसकी सांस रुकी हुई है, अभी मुझे इसकी सांस भी चलानी है, एक मिनट। अच्छा, सांस कैसे चलाना है कि मैं अपने मुंह से इसके मुंह में सांस डालूंगी, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इसको कहते हैं, कृत्रिम श्वास क्रिया, वो भी मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे करना है, पहले अपने अंदर मुझे सांस भरना है, फिर मुझे इसका ऐसे नाक टाइट करना है, नाक बंद करना है इसका, क्यों? क्योंकि जब मैं मुंह से इसके अंदर सांस डालूंगी तो यह नहीं कि नाक से ही निकल जाए, तो नाक बंद किया और सबसे पहले ये किया, इसकी गर्दन ऊपर ऐसे करा, छोटी को ऊपर किया ताकि सांस का रास्ता सीधा हो जाए, क्योंकि हमारा जो सांस का रास्ता है इधर से ऐसे मुड़ता है ना, मुड़ता है, तो इसको मैंने सीधा किया ऐसे करके, ठोड़ी इसकी ऐसे करी, नाक बंद किया और इसका हल्का सा मुंह खोला, अपना मुंह इसके मुंह पे ऐसे लगाया, ऐसे लगाना है कि पूरा सील बन जाए। सील इसलिए क्योंकि मैं जब फूंक भरूंगी इधर साइडों से नहीं निकल जाए, उसके एकदम उसके अंदर जाए, तो फूंक मारने से वो सांस जाएगा और उसके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है, आसान है। पहला स्टेप, उसका सांस का रास्ता
सीधा किया, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सभी को? अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है जी। तो सीधा लेटाया, नाक बंद किया, ठोड़ी ऊपर किया, दो बार सांस दिया। सांस देने से उसकी छाती फूलती है, इसका मतलब उसकी छाती में, फेफड़ों में सांस पहुंच गया। दो बार सांस दिया और फिर ये 30 बार छाती पे दबाओ। दो बार सांस दिया फिर 30 बार छाती पे दबाओ। ऐसे करते करते हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो उसके अंगों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और वो जीवित रहेगा, नहीं तो 10 मिनट के बाद तो एक एक करके अंग मरने शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर दिमाग मर गया तो कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया हॉस्पिटल क्यों ना हो, फिर वो कहते हैं आप इसको मृत लाए, ब्रेन डेड को हम अब इस जीवित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसको बचा के रखना है। और कब तक करते रहना है? हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद भी, जब तक डॉक्टर की मशीनें नहीं चालू हो जाए, जो सांस की मशीन और दिल की मशीन वो सब चालू हो जाए ना हो जाए, तब तक ये करते रहना है। तो इस तरह से आसान क्रिया है, आप अपने घर में भी अगर तकिया लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तकिए के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई, या देखिए जीवित जने पे मत करिएगा, मतलब क्योंकि तेज से ऐसे करने से अगर कोई ठीक ठाक है तो उसके दिल को बुरा असर पहुंच। तकिए के ऊपर ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सांस देना, मुंह से मुंह ऐसे जोड़ना बस, और जोर की फूंक मारना, सो सिंपल। और इसको कहते हैं CPR, ये बहुत लोगों को नहीं आता है और इसलिए आपने आज सीख लिया है, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि किसी को भी कुछ हुआ है मैं बचा सकता हूँ। तो अब मैं आपको आगे ले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने कहा है कि हम कुछ, कौन सी आपदा आपने कही? भूचाल, भूकंप आया, भूकंप, भूकंप सबसे भयावह आपदा मानी गई है, क्योंकि एक इवेंट में सबसे अधिक जाने अगर किसी आपदा से जाती है तो वो भूकंप होता है। चाहे भूकंप इतने अधिक नहीं आते जैसे कि बाढ़ वगैरह तो हर साल आ जाती है, तो भूकंप में क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने आग पहले रखा हुआ था क्योंकि आग, भूकंप के बाद आग भी बहुत लगती है, पर पहले भूकंप करते हैं। तो भूकंप का पहले तो ये देखना होता है कि हम जहाँ रहते हैं वहां पे भूकंप आने की कितनी संभावना है। हमारे देश का 60 या कह लो 59% जो भूमि है उसमें भूकंप संभावित भूमि है, यानी भूकंप आने की संभावना है, मेजर भूकंप आ सकता है। मेजर का मतलब होता है कि जो तोड़फोड़ नाशकारी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम ऐसी जगह में रहते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भूकंप की तैयारी के 3 पार्ट्स हैं। एक तो भूकंप आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भूकंप आने पे क्या करें, और तीसरा भूकंप जब चला जाए, हो जाए, तब उसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहला तो भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एकदम से अभी अगर जमीन थराने लगे तो क्या कर सकते। देखिए भूकंप करना बहुत एक बुरी चीज है, उसके बारे में ना केवल वो बहुत विनाशकारी है, उसके बारे में ये नहीं पता कि अगले सेकंड क्या भूकंप आने वाला है, विज्ञान नहीं बता पाई, क्योंकि ये जो कारण जो है उसका वो बहुत नीचे है, यानी कि जो पृथ्वी है, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके अंदर जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां पे इतनी गर्मी है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो अंदर पत्थर है ना वो पिघला हुआ है, वो तरल है एकदम, और हम जो रहते हैं उसके ऊपर तैरती हुई प्लेटें हैं, जो जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स उसे कहते हैं, हम ऊपर की क्रस्ट पे रहते हैं बस, नीचे जो है बहुत ही गर्मी और तरल पदार्थ है। तो वैज्ञानिक लोग कुछ भी अगर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उपकरण डालते हैं उसको समझने के लिए कि भूकंप किस तरह से क्यों आएगा, वो तो पिघल जाता है। तो कैसे जाने कि भूकंप कब आने वाला है,
तो आज तक विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, बहुत कोशिशें की। तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना और भी जरूरी है, और इसीलिए उससे डर भी बहुत लगता है। अच्छा, भूकंप अचानक आ जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग भागते हैं एकदम उठ के। हाँ, गलत है, क्योंकि आप समझिए कितना भी बड़ा भूकंप होता है तो कितनी देर के लिए आता है? कुछ सेकंड के लिए, नहीं तो एक मिनट के लिए। एक मिनट में आप उठ के कहाँ भाग पाएंगे? देखिए, और सबसे बड़ी बात, भाग के भी अगर सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं तो सीढ़ियां तो सबसे कमजोर पार्ट होता है बिल्डिंग का, उसका जो कहते हैं ना वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी, वो भी अलग होता है बाकी बिल्डिंग से, यानी कि उनमें जल्दी टूट होती है, सीढ़ियां टूटती हैं, तो आप इसका मतलब खतरनाक जगह पे जा रहे हैं। और कई लोग तो घबरा के बैल्कनी में भाग जाते हैं, तो घर की बैल्कनी तो वो भी कमजोर पार्ट होता है, वो भी टूटती है। और भी बात, अगर भाग भी गए बाहर निकले तो बिल्डिंग के एकदम बाहर तक पहुंचे हैं, वो भी खतरनाक जगह है, सबसे खतर। आपको पता है भूकंप में जो जाने जाती हैं, सबसे अधिक जाने उन्हीं की जाती है जो बिल्डिंग के एकदम बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तेज का भूकंप आया है और बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुआ है तो ऊपर से मलबा गिरेगा कहाँ? उधर ही, एकदम बिल्डिंग के बाहर। और अगर कांच ऊपर से टूट के गिर रहा है और वो उसी जो बाहर है उसके ऊपर ही जाके गिरेगा और काट देगा उसको। फिर देखिए, गमले पड़े होते हैं बालकनियों में कई लोगों की, वो भी गिरेंगे उसके सिर पे, मौत का कारण बन सकते हैं। पानी की टंकी होती है छत पर, भूकंप आने पे वो भी लुढ़क के नीचे गिरती है, तो इसी के ऊपर गिरेगी। तो सबसे अधिक जान जो जाती है वो इसकी उसी की होती है जो एकदम बिल्डिंग के बाहर होता है। तो आप ये देख लीजिए, आपका जिस भी घर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां से अगर भागेंगे तो एक मिनट के अंदर कहां तक पहुंच पाएंगे? शायद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले शायद निकल के पहुंच सकते हैं, जो ऊपर वाले घर में रहते हैं उनको तो और भी अधिक समय लगेगा। तो इसलिए बाहर भागने की जगह हमें ये देखना है कि अंदर ही कहां सुरक्षित होंगे। अपने कमरे के अंदर वो जगह देखिए, एक तो अगर अच्छा फर्नीचर पीस है, यानी कि मजबूत मेज लकड़ी का या बेड है, बिस्तर है, उसके नीचे घुस सकते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग का कुछ टूटता, और आम भूकंप में तो अक्सर क्या गिरता है ऊपर से, ये जो फिटिंग्स है, तस्वीर गिरेगी, कुछ उपकरण है, टीवी गिर सकता है, ऐसे कुछ जो हल्की तरह से कोई अलमारी खड़ी है वो गिर सकती है, तो ये जानलेवा होती है। कहते हैं भूकंप नहीं जान लेता, जान जाती है बिल्डिंग और बिल्डिंग में पड़े सामान से। तो ये चीजें गिरेंगी और हमारे सिर पे गिरी, हम बेहोश हो जाएंगे, हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए इनसे बचने के लिए हम किसी फर्नीचर के नीचे घुस सकते हैं, और अच्छा होगा कि वो जो कमरे के कोने हैं उसमें उस तरफ रहे, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है तो इस तरह से बनती है कि जब टूटती है तो अक्सर बीच वाला पार्ट गिरता है, मलबा जो गिरता है, टूटता है, रूफ कोलैप्स होती है, तो बीच से अधिक होती है, कोने खड़े रहते हैं, इसलिए कमरे के कोने दीवार की तरफ रहे। अगर नीचे घुसने की जगह नहीं भी है तो कोई जो सबसे मजबूत फर्नीचर है उसके साइड में छुप जाए, ऐसे अपने शरीर को छोटा बना ले, सिर ढक लें, आंख ढक लें, और उधर उधर रहने से क्या होगा कि ऊपर से कुछ गिरा, मलबा या सामान भी गिरा, तो वो जैसे ये सोफे के ऊपर गिरेगा तो सोफा अपने ऊपर जो है सारा बोझ ले लेगा, हमारे शरीर को कम नुकसान होगा। हमारे शरीर में सबसे जरूरी जो है हमारा मस्तिष्क, वो जिंदा है तो डॉक्टर बचा लेगा फिर और बाकी तकलीफों को। इसलिए अपने हो सके तो जब हम छुपते हैं, उधर बैठते हैं, अपने अपनी बाहें और हाथ ऐसे सिर पे रख लें ताकि थोड़ा सा उससे बचाव हो जाए, और तब तक रुके रहें जब तक भूकंप के झटके नहीं रुक जाते। उसके बाद फिर आप निकल के बाहर जाइए, बाहर जाइए इसलिए क्योंकि भूकंप आने के बाद
आफ्टर शॉक्स, यानी कि उसके बाद भी झटके आने का डर रहता है। काफी भूकंप के बाद फिर से झटके आते हैं। आपको याद होगा जो नेपाल में भूकंप आया था काठमांडू में, 13 दिन तक झटके आते रहे, बल्कि जो राहत का कार्य हो रहा था उसमें भी लोगों को डर लगता था और लोग अपने घरों में जाकर रहते नहीं थे, बाहर ही रहे थे रिलीफ कैंप्स में, क्योंकि झटके 13 दिन तक आते रहे। तो इसलिए जब भूकंप के झटके बंद हो जाएं, तो अब हम निकल रहे हैं बाहर और खुले में जा रहे हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है इसमें। पहले निकलते वक्त अपने घर का जो गैस पाइपलाइन है वो बंद करके निकलना है, क्योंकि भूकंप के बाद आग लगती है, आग लगने की संभावना होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि भूकंप से कई बार ये पाइप फट जाती है और बिजली की पाइप भी टूट सकती है, पानी की पाइप भी टूट सकती है। इसलिए इन सबको मेन जो सप्लाई पॉइंट है वहां से बंद कर दीजिए। इसलिए हम परिवार वालों को पता होना चाहिए सबको, या ऑफिस में ऑफिस वालों को सबको, कि मेन लाइन कहाँ से बंद होती है। फिर ये बंद करके आप घर से या बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, खुले में खड़े होंगे अब ये, क्योंकि बाहर भी कई बार बहुत खतरा होता है। आप बाहर खड़े हुए हैं, वहां पेड़ है जो टूटने वाला ही था, या कोई बड़ा होर्डिंग जिसे कहते हैं पोस्टर लगे हैं, अगला भूकंप का झटका आया वो हमारे सिर के ऊपर ही गिरा और उसी ने जान ले ली, या बिल्डिंग के पास में जैसे बताया बालकनी में गमले वगैरह कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर के पास खड़े नहीं होंगे, उससे दूर हट के खड़े होंगे खुले में, ताकि ऐसा कोई खतरा नहीं बने। और अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं, यानी कि कार में अगर हम जा रहे हैं, भूकंप आए तो चलाते नहीं रहेंगे, क्योंकि पता नहीं आगे कौन सा पुल टूटा है, कौन सी सड़क धस गई है, कार को साइड में लगा लेंगे, पार्क कर दीजिए और या उसमें बैठिए या उसके साइड में ऐसे छुप के अपने शरीर को बचाते हुए बैठ जाइए। अब पार्क भी कर रहे हैं गाड़ी को तो याद रखिए, ऐसे नहीं कि किसी फ्लाईओवर के नीचे कर दें या किसी बड़े पेड़ के पास, अगला झटका आया नहीं कि कार के ऊपर भी सब गिर गया। तो खुली जगह में जाना है जहां पे ये सब चीजें जानलेवा नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो। अब अगली बात कि ये तो भूकंप आने के समय की बात हुई, भूकंप आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, या मैं ये कहती हूँ कि भूकंप जब आया और उसके बाद हम बाहर निकले और ये सब करके बंद करके अपने घर का सप्लाई वगैरह, उसके बाद हम क्या करें। एक चीज याद रखिए, अब हम बाहर हैं तो हमें जरूरत पड़ सकती है कहीं पे भी जाने की ना, अगर हमारी बिल्डिंग इफेक्टेड है हम वापस नहीं अंदर जा सकते, इसलिए निकलते वक्त जरूरी है 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आपको आजकल तो मोबाइल है, तो पहले हम कहते थे ट्रांजिस्टर जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि अब सरकार मदद के लिए आएगी एजेंसी, तो वो हमें बताएंगे कि आप निकल के जा रहे हैं अपने कॉलोनी से किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं, इस तरफ सड़क टूटी है, इस तरफ पुल टूट गया है, इस तरफ पाइपें फट गई हैं, इस तरफ आग लग गई है, आप दूसरी तरफ से जाएं, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। ट्रांजिस्टर अगर है साथ में, उसके बैटरी होनी चाहिए, वो एक बड़ी उस वक्त फायदे की चीज है। दूसरी चीज निकलते वक्त एक और फायदे की है, टॉर्च। अगर रात को भूकंप आया है हमें रास्ता देखना पड़ सकता है, शायद रास्ते में कांच गिरा पड़ा है टूट के, पाइप फटी हुई है पानी की या कुछ भी, तो टॉर्च, क्योंकि अंधेरे में देखने की, और अक्सर जो भूकंप आता है जैसे बिजली की जो व्यवस्था है वो टूट जाती है, मानी कि पाइपें टूट जाती है, मेन लाइन टूट जाती है, तो बिजली उड़ जाती है। तो जैसे और भी कई आपदाओं में बिजली का जाना तो बहुत मुमकिन है, इसलिए टॉर्च घर में, वो भी सामने सामने कहीं, हमें पता होना चाहिए इस दराज में सामने पड़ी है, अंधेरे में भी हम निकाल लेंगे। और तीसरी चीज बहुत फायदे की है, मोटे जूते। जब हम जा रहे हैं घर से निकलकर तो रास्ते में कटा अंजलि जी कांच, हाँ जी अंजलि जी थोड़े आपको बीच में रोकना चाहूंगा, समय ओवर है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट टीम से समय समाप्त हो जाएगा, ये विषय लंबा चलेगा, थोड़ा सा संक्षेप में करते हुए प्रश्नोत्तर पे आइए। अच्छा जी ठीक है, तो अभी मैंने तो बता ही दिया कि किस तरह से अपने शरीर अभी को, इसमें आ जाएंगे,
लेकिन प्रश्नोत्तर से लोगों को रुचि और आगे बनी रहेगी, क्योंकि हम हमारी बात भर सुन रहे हैं, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको स्क्रीन पे सभी के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जी हाँ जी, तो बताइए फिर आप इसकी बात हम क्या करें। नहीं नहीं आप पूरा कर लीजिए इस विषय को, भूकंप को समाप्त करेंगे। अच्छा, मेरा तो ये था कि जो भूकंप के बाद जो निकलना है घर से या बिल्डिंग से, उसमें अधिक जाने जाती हैं, इसलिए उसमें अधिक एहतियात बरतनी है, और टॉर्च और ये जूते, क्योंकि देखिए जापान में आए दिन भूकंप आता है, 7 रिक्टर स्केल का आ जाता है, 8 का भी आ जाता है, उनके वहां पे कोई बिल्डिंगें नहीं टूटती, जाने भी नहीं जाती, लोगों को सब कुछ आता है, यानी कि सीखने से कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो, हम अपने आप को फिर भी बचा सकते हैं। तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि भूकंप से पहले हम क्या करें, वो ये है कि जिस घर में हम रहते हैं, जिस बिल्डिंग ऑफिस की बिल्डिंग में हम काम करते हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जाने भूकंप से नहीं जाती, जाने बिल्डिंगों के टूटने से जाती, तो बिल्डिंग मजबूत है कि नहीं, इसकी इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है। उसके लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करो। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सबको नहीं आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तो जिसको यह अर्थक्वेक स्ट्रक्चर बनाना आता है, अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर, ऐसे इंजीनियर को लाके अपना बिल्डिंग दिखाइए। आजकल तो मशीनें ऐसी आ गई, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, अंदर शरीर का देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन से, ऐसे करके वो हमारे घर के जो खंभे हैं जिनके ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई है, और वो सबको वो पिलर को ऐसे करके देख लेते हैं कि इसमें कितनी जान बची है, यानी कि अगर कितनी पुरानी भी बिल्डिंग हो तो इंजीनियर बता देगा कि इसमें कितना मजबूती है, और अगर नहीं है, कमी है मजबूती में, तो वो भी तरीके बता देता है कैसे ही कुछ सरिये जो लगाने हैं, स्टील के सरिये लगते हैं जो बिल्डिंग बनती है, देखेंगे आप कोई बिल्डिंग बनते हुए, तो उसमें थोड़ा सा लगा के वो उस पिलर को किस तरह से, तो रेट्रोफिटिंग ऐसी कला है जिससे कि बिल्डिंग को मजबूत फिर से किया जा सकता है। और इसके अलावा जब बिल्डिंग बनाए तब भी ध्यान रखें कि सिर्फ खूबसूरती नहीं देखें उसकी, उसमें आप सबसे जरूरी है कि ये देखें कि वो उसमें भूकंप प्रतिरोधक शक्ति है कि नहीं। कहते हैं सिर्फ बिल्डिंग का 1%, 1% एक्स्ट्रा पैसा लगता है उसमें, और वो कितना उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और वो मजबूत बनाई जा सकती है। तो सिर्फ सारे पैसे अच्छा पत्थर और टाइल लगाने में नहीं, बिल्डिंग को मजबूत बनाने में लगाइए जरूर, सिर्फ 1-2% एक्स्ट्रा खर्चा होता है और बिल्डिंग हमेशा के लिए मजबूत बन जाती है। आपने देखा होगा बिल्डिंग बनते हुए सरिये से जो खंबे बनते हैं उसमें स्टील के सरिये डालते हैं, तो उसका वो ठीक मोटाई के होने चाहिए, अधिक लगने चाहिए, और बिल्डिंग मजबूत बन जाएगी। और कुछ जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की चीजें हैं वो आपको एक इंजीनियर की सलाह से बिल्डिंग अगर बने तो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा भी हमारी सरकार ने बहुत और भी कई सारी चीजें निकाली, किताब वगैरह निकाल दी है अब तो। हमारे जो अभी सरकार है वो बहुत ही सजग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है। वैसे जो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये सब्जेक्ट है, आता है हमारे संविधान के हिसाब से राज्य सरकार के काम में आता है, उनको अपने अपने राज्य में देखना है क्या क्या आपदाएं आती हैं, किस तरह से लोगों को समझाना है, किस तरह से बचाना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यानी कि सेंटर पे जो सरकार है वो पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, सब राज्यों को कोऑर्डिनेशन करती है, उनको समझाती है, मगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा और सारा फंड्स तो राज्य सरकार के पास है। ऐसे में कुछ राज्य तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ थोड़े लापरवाह हैं, वो तो शायद हमने अभी कोरोना के टाइम में भी देख लिया है कि कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं, वहां पे तो रोकथाम और सब इलाज अच्छा हो रहा है, और कुछ हैं जिनमें बढ़ता ही जा रहा है बस। तो ये इसमें हमें देखना होगा हम कहाँ रहते हैं, और हमें इसलिए उसमें किस तरह से एहतियात बरतनी है, क्या मदद हमें सरकार से मिल सकती है। तो मैं ये बता रही थी कि इंजीनियर्स वगैरह कई सारी जगहों पे तो मुश्किल होता है कि मजदूर और कंट्रैक्टर और सबको ये बिल्डिंग को मजबूत, मतलब भूकंप या बाढ़ या चक्रवात आने के लिए जो बिल्डिंग बननी चाहिए उस हिसाब से, वो उसका उसका ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि सरकारें उनको ट्रेनिंग दिलाएं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डालें
ताकि सबको इसके बारे में पता चले। तो खैर हमारा जो है योगदान ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे रक्षा का काम सरकार नहीं कर सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और वो पूरे देश के सारी आपदाओं के बारे में प्लान करती रहती है, और उसके हेड तो खुद मोदी जी हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत अच्छी टीम है उनकी इस वक्त, जो मेंबर्स हैं NDMA के उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और सब तरह की आपदाएं निपटने का एक्सपीरियंस है, और अब तो आगे आगे बहुत अधिक अच्छा काम होता जा रहा है, और कुछ किताब वगैरह भी उन्होंने निकाली हुई है। तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं और कई जैसे गांव वगैरह में अगर इंजीनियर को भी यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी किताब उन्होंने बनाई है कि आप वो उनसे लेकर आप पढ़िए और खुद देखिए कि आपके घर में वो सब चीजें आप अपने कंट्रैक्टर के साथ मिलकर अपना घर मजबूत बनाइए, सबसे जरूरी है। और दूसरी बात छोटी चीज ये कि है, जैसे बताया उसके कारण भी गिरने से जान जाती है, तो आपको क्या करना है कि सामान को इस तरह से रखना है ताकि भूकंप आने पे हमारे ऊपर नहीं गिरे, यानी कि जैसे ये अलमारी है तो अलमारी के आसपास दो आप क्लैंप लगा दीजिए स्टील के, और दीवार के साथ उसको पेच के साथ फिक्स कर दीजिए, उससे क्या है भूकंप आने पे आपके ऊपर नहीं गिरेगी। या ये TV वगैरह है, या गीजर होता है अपना हमारे बाथरूम के अंदर, तो उसको भी अगर एक स्टील का स्ट्रैप लगा के दो पेच से अच्छे से हम उसको एहतियात से लगा सकते हैं ताकि वो हमारे ऊपर नहीं गिरे अगर भूकंप आता है। मतलब छोटी छोटी चीजें, गमले अगर हमें बालकनी में रखने का शौक है तो उसके आसपास स्टील सरिये का फ्रेम बना लीजिए, पानी की टंकी जो छत पे है उसके आसपास भी अच्छा सा फ्रेम बन जाता है अपना लोहे का, और वो उससे फिर हम सुरक्षित हो जाते हैं और खतरा फिर नहीं रहता। तो ये बहुत अहम जानकारी है, हम सबके पास होनी चाहिए, और अपने एरिया के जो हमारे आपदा आने का जो भी संभावना है उसके हिसाब से हम अपने घर का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फिर हम सुरक्षित और शांति से रह सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, प्रैक्टिकल करके बताए, विषय लंबा है, लोगों की रुचि का विषय भी है, लोगों के आपकी बात पसंद भी आई है, हमें लगातार फीडबैक मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं उनका भी जवाब देंगे। हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम की मर्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में देश भर के लोग जुड़े हैं, बंगलोर से हैं, खजुराहो से हैं, अरविंद मिश्रा जी हैं दिल्ली से, विनोद तोमर हैं दिल्ली से, संजीव कुमार जी गुड़गांव से हैं, बहुत बड़े बड़े साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने इतना सब बता दिया है कि हमें कुछ दिमाग में याद आए, इसके लिए किताब कौन सी है। एक हमारे दर्शक, आपने किताब की चर्चा बार बार की है, वो बाद में पूछेंगे। विवेक स्वरूप जी प्रयागराज से परिवार के साथ देख रहे हैं, अपनी फोटो भी इन्होंने शेयर की है, मैं इसको वीडियो में सम्मिलित करूंगा। इनका पूछना है कि हम प्रयागराज में तीन ओर से नदियों से घिरे हुए हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, और छोटे छोटे बड़े कई नदी नाले से इलाहाबाद घिरा हुआ है प्रयागराज, और यहाँ कई बार दो दो मंजिले डूब जाते हैं, लोग छतों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि इससे बचा जा सके अथवा नुकसान कम से कम हो। अंजलि जी देखिए, बाढ़ जो है, जो इतना अधिक जहां बाढ़ आता है वहां पे तो घर नहीं बनाना चाहिए, मगर अगर पुराने टाइम के जो शहर बसे थे वो नदी किनारे बसा करते थे, जो इंसान अपने घर बनाते थे क्योंकि वही खेती और सब होता था, इसलिए बड़ी ये डिलेमा है कि किस तरह से, क्या है कि बाढ़ के लिए जो घर बनते हैं जहाँ पे बाढ़ संभावित एरिया है, जमीन या तो जमीन को ऊपर कर लिया जाता है, उसका लेवल रेज कर लेते हैं, फिर घर बनाया जाता है जो बाढ़ का लेवल है उससे कुछ इंच ऊपर ही रख, जो कि मैक्सिमम बाढ़ का लेवल आज तक का है उससे ऊपर के लेवल पे ही घर बनाया जाता है, यानी नीचे मिट्टी भर के ऊपर कर लिया जाता है जमीन का लेवल, नहीं तो उससे भी अधिक फायदा है स्टिल्ट्स कहते हैं, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर हुआ उसमें बड़े बड़े खंबे की तरह बना लेके
फिर घर उसके ऊपर बनाया जाता है ताकि बाढ़ अगर आए तो नीचे से ही पानी निकल जाए और घर के अंदर पानी नहीं आए। और दूसरी बात, अगर ऐसे नदी है तो सरकार का भी है रोल इसमें कि कुछ एम्बैंकमेंट्स बना दे ताकि जहां से पानी का जो निकास का रास्ता है उसके आसपास अगर कुछ एक दीवार जिसे कहते हैं मोटी सी बना के, ताकि वो अपने में पानी को रोकता है, पानी को बाहर निकलने से रोकता है अगर वो पॉसिबल है। बाकी और जो वाटरशेड मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, जो डैम्स वगैरह बड़े बड़े बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि ताकि पानी का बिल्कुल ओवरफ्लो होके आबादी के वहां तक नहीं जाए। तो बाकी जो बाढ़ आने पे और जो एहतियात बरतनी है वो सब हम सबको सिखाना है अपने परिवार वालों को। दूसरा ये जरूरी है कि हमारा जो बिल्डिंग बनी है, मैंने आपको बताया कि अभी बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई है। हाँ हमारे जी अधिकांश दर्शक ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़े हैं। जी तो नहीं हमारे बिल्कुल अनेक दर्शक ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। वो पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान में श्रीराम रिछारिया हैं, धवर्रा से ब्रजेश अग्रवाल हैं, नूतन सोनी हैं। ये पूछ रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से किस प्रकार की तैयारी करनी है कि बाढ़ अपना विकराल रूप लिए, जान माल का खतरा कम हो। आपने अपने पहले के भाषण में बता दिया है, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि अचानक बरसात में आकाशीय बिजली गिरती है, बरसात आती है, किसान पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं और ऊंचे पेड़ होने के कारण बिजली वहीं पानी के पास जल्दी आती है। उस दशा में किसान को क्या सावधानी बरतना चाहिए, या आम चलते हुए आदमी को क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए, यही गलतियां लोग करते हैं। इस साल भी अभी जो अभी खबर आई पीछे कि कितने बिहार में 93 लोग एक ही दिन मर गए, बिजली एक दिन में ही गिरी और 93 लोग मर गए। हर साल ऐसी खबर आती रहती है, पिछले साल 13 लोग मर गए एक दिन में। तो इसका कारण ये है कि देखिए, बिजली जो होती है ये बादल छा होता है, बहुत बड़ा करंट होता है उसमें, बहुत करंट होता है। तो वो जब ये मौसम आता है जब थंडर स्टॉर्म्स, बहुत तेज हवा चलती है, तो ऐसे जब दो बादल टकराते हैं आपस में तो वहां बिजली ऐसे आती है, आवाज आती है, गड़गड़ाहट होती है और वो बिजली नीचे जो गिरने का जो खतरा होता है वो चार्ज उसका जो नीचे जो सबसे ऊपर ऊंची चीज होती है उसमें जाके अगर वो छूती है तो पूरा बिल्डिंग को, और अगर कोई बाहर है खुद उसको वो जला सकती है। बहुत तेज करंट होता है, उससे फिर बच नहीं सकता इंसान, इतना मतलब उसमें चोट इतना शरीर को हो जाती है। तो इसमें ये जरूरी है कि जैसे आप बता रहे हैं ग्रामीण इलाकों में स्पेशली ये अधिक दुर्घटनाएं होती है क्योंकि लोग बाहर खेत में खुले में काम कर रहे होते हैं। बाहर खुले में अगर आप हैं तो बहुत खतरा है। उसमें सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, सोचते हैं उसके नीचे हमारा बचाव हो जाएगा, मगर वो पेड़ को ही पकड़ती है बिजली क्योंकि पेड़ ऊंचा है और वो बादल का करंट उसी में सबसे जल्दी आता है और पेड़ भी जाता है और वो आदमी भी मरता है। इसलिए कैसे पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो, इसके नीचे जाके खड़े, कोई छप्पड़ है उसके नीचे भी जाके नहीं खड़े हो, क्योंकि उसके अगर टिन का प्लेट उसका उसका छत है तो फिर वो बिजली को पकड़ेगा और आपके अंदर भी फिर बिजली आएगी। और अगर आप खुले में कोई ट्रैक्टर है या कोई भी धातु का अगर चीज है, जैसे बिजली की तार लगी होती, बिजली की तार कह रही हूँ, धातु की तार, लोहे की तार लगी हुई है, या लोहे का जैसे ट्रैक्टर है, कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, साइकिल, उसके पास भी मत खड़े हो जाइए क्योंकि वो अपने में उसके उसको बिजली पकड़ेगी तो आप भी साथ में इफेक्ट होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो बाहर रहिए, अच्छा है कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर, वो बिल्डिंग जो मजबूत है और ऐसे बनी हुई है कि वो जब बिल्डिंग बनती है जो ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगते हैं तो वो अगर उस पर बिजली गिरती भी है तो वो बिजली का करंट जमीन के अंदर ले जाता है। और आपको पता है पृथ्वी भी अपने में करंट लेती है तो वो करंट पृथ्वी में चला जाता है और बिल्डिंग ठीक रहती है। और बाहर रहने में
अगर अगर मजबूरी है, बाहर रहना ही पड़ेगा, तो और बाहर रहते हुए आपके अगर बाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा आपको लगे तो समझिए करंट आ गया। उसमें जल्दी से ऐसे झुक के और एक बॉल की तरह बन जाइए और अपने घुटनों पे बैठ जाइए, सिर नीचे करके, ताकि कम से कम आपका शरीर का जो वॉल्यूम है कम हो जाए, ताकि बिजली आपको नहीं इफेक्ट करे। कभी भी ऐसे घबरा कर लेट मत जाइए कि खुले फील्ड में आप हैं और एकदम लेट जाएंगे तो जमीन, क्योंकि गीली जमीन हो और पानी या कहीं हो या गीली जमीन हो तो भी वो बिजली को पकड़ती है। अगर आप लेटे हैं तो आपके शरीर में फिर आ सकते, तो आप ऐसे बैठ जाइए बस और बिजली के निकलने का इंतजार कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि सुरक्षित स्थान तो सिर्फ कोई मजबूत, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर आप घुसते हैं, आपका घर है जैसे, उसमें भी जब आप हैं और अगर कहीं बिजली उसको स्ट्राइक करती है तो आपको खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार अंदर जो जो पाइपें लगी हुई हैं, जैसे कि बिजली की पाइप है या पानी की पाइप आ रही है छत से, या टेलीफोन की पाइप भी आती है और टीवी की भी वो आता है, एंटीना वगैरह लगा, कई बार बिजली उसमें भी गिरती है और उससे वो घर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। तो इसलिए जब बिजली का ऐसा समय है और आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है बाहर और बिजली, तो आप ये सब इस्तेमाल मत कीजिए, यानी कि कोई बिजली का उपकरण इस्तेमाल मत कीजिए। आप ये टीवी चला के मत देखिए उस वक्त, आप बस बिजली के जाने का इंतजार कीजिए, वो जब चली जाए आधे घंटे के बाद ही कुछ करिए। ऐसे में ना ही कोई स्विच ऑन ऑफ करिए, और जो उपकरण बंद है उसको बंद रहने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, और इवन पानी से भी हाथ धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं आप, तो पानी के अंदर की पाइप से भी बिजली आ सकती है, तो आप मत करिए उसको, अभी बाद में पोस्टपोन कीजिए। साथ में जैसे मैंने बताया फोन वगैरह ये सब भी मत करिए, वो जो तार वाला फोन तो बहुत ही भयंकर है, और टीवी वगैरह भी मत चलाइए, मतलब सिर्फ रिमोट से चला सकते हैं और नहीं चलाइए। तो कहने का मतलब है कि अंदर बिल्डिंग में भी किस तरह बचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अनिल जी, हमारे राजीव शुक्ला खजुराहो से हैं, ये पूछ रहे हैं कि बच्चे बाढ़ में, तालाब में, नदी में गिर के मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी उम्र 2 से 12 साल के बीच होती है, ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों को टालने में कैसे सहायक हो सकते हैं कि उनके आने वाले दिनों में नुकसान से बचा जा सके। आपका कई बातें इसमें आ चुकी हैं, संक्षेप में आप इनको राजीव शुक्ला जी को बता दीजिए। देखिए जी, इसके लिए तो मैं कहूंगी सबसे पहले कि अगर आप ऐसे नदी के पास रहते हैं तो सबको तैरना सिखाइए, तैरना तो बहुत बढ़िया जवाब है, धन्यवाद, सबको आना चाहिए, यही उसका उपाय है, बिल्कुल। और एक हमारी श्रीमती जया तिवारी सीधी से पूछ रही हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का कोई प्रशिक्षण कहीं पे मिलता है क्या, शॉर्ट टर्म कोर्स वगैरह होते क्या, आप उसकी विशेषज्ञ हैं, महानिदेशक हैं आपदा प्रबंधन की, क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर या शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, हम तो करते ही हैं ट्रेनिंग इसकी, और फ्री में करते हैं, हमने दिल्ली पुलिस को ट्रेन किया, मुंबई पुलिस को, औरंगाबाद पुलिस, लखनऊ पुलिस, तो क्योंकि पुलिस सबसे पहले पहुंचती है हमको बचाने के लिए, और हमें रहता है कि ये खुद भी अगर बची रहेगी और इनको बचाना आएगा तो हमको बचाएंगे। आग से जो बचाने आते हैं, फायरमैन को हमने ट्रेनिंग किया, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग किया, सरकारी लोगों को ट्रेनिंग, और कॉलोनी कॉलोनी जाकर भी हम ट्रेनिंग करते हैं। आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, कोरोना शुरू होने से पहले तक हम हर कॉलोनी कॉलोनी जाके, बस्ती, स्लम्स, गांव में जाके ट्रेनिंग करते थे, और अब इतने महीनों से मैं घर में मतलब ये सब नहीं कर पाई, हमारी एनजीओ ने और काम शुरू किए कोरोना के लिए, मगर ट्रेनिंग आज मैंने पहली बार ये बातचीत करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मैं कुछ लोगों को, क्योंकि ये मेरे दिल का सबसे बड़ा जैसे जज्बा है कि मैं लोगों को बचाव के तरीके बताऊं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे गाइड सर मर गए थे तो मुझे लगा कि हाँ। धन्यवाद जी, आपके ट्रेनिंग कोर्स तो चलते हैं, हमने दिल्ली में देखे हैं, आपकी वेबसाइट भी है उसको भी देखा है, आप अपना ईमेल और आवश्यक कॉन्टैक्ट के नंबर शेयर करेंगे बाद में, तो
तो हम अपने दर्शकों को वीडियो में जोड़ देंगे, यूट्यूब चैनल पे हमारा संपूर्ण प्रसारण आएगा। राम सनेही चतुर्वेदी जी नौगांव से पूछ रहे हैं कि टिड्डियों का प्रकोप पूरे बुंदेलखंड में फैला हुआ है, किसान भयभीत है, इससे बचने की उपाय आपकी नजर में क्या है? ये केवल इनका सवाल नहीं है, हमारे सरित त्रिपाठी भी जौनपुर से पूछ रहे हैं और विकास सिंह भी रीवा से पूछ रहे हैं, विनोद तोमर भी पूछ रहे हैं फरीदाबाद से, हमारे दीपन वर्मा भी पूछ रहे हैं कि अभी गुड़गांव में सरिता विहार तरफ हमारे टिड्डियों का दल आया, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? टिड्डियों के बारे में भी एक प्राकृतिक प्रकोप ही है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, जो टिड्डी का दल आया ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसका भी जो कारण है ये क्लाइमेट चेंज ही कह रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो अफ्रीका में बारिश हुई थी, बिन मौसम की बरसात हुई थी और वहां काफी अच्छी उपज हो गई, उसके कारण वहां टिड्डियां इतनी अधिक हो गई। जब वो बहुत अधिक हो जाती हैं तो ऐसे स्वार्म ग्रुप बना के फिर दूसरी दूसरी जगह जाती हैं। और वैसे तो अक्सर आया करती थी टिड्डियां, 25 साल पहले तो काफी आया करती थी, राजस्थान तक आती थी, मगर इस बार आप जैसे देख रहे हैं कि वहां से आगे हम सब ये और वहां पे भी कितना नुकसान फसलों को होता था। तो इसके लिए ये जरूरी, हमें इस चीज का ज्ञान रखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है और इस सब से जो हम कर रहे हैं, हमारे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब हो रहा है, ये कहीं हमारे हमारे लिए ही जानलेवा होता जा रहा है। इसलिए जो ये प्रगति हो रही है मानव की, इसको ठीक लाइन पे लाना चाहिए। और ये जो बहुत अधिक रेस में पड़ गए हैं हम, यू नो, औद्योगिकरण और ये सब, इसको भी सोच के करना चाहिए। बाकी जो टिड्डियां हैं इसके लिए तो मेन जो निवारण तो है पेस्टिसाइड, जो है दवाई से ही मारा जाता है इसको। और आजकल वो ड्रोन्स भी आ गए हैं दवाई डालने के लिए, हेलीकॉप्टर से भी दवाई डाली जाती है। और वैसे तो जो काफी लोग किसान वगैरह ने वो बर्तन बजा के आवाज करके डराना से भी टिड्डियां दूर जाती हैं। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और नेचुरल कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम टिड्डी को मार के भगा सकते हैं, वैसे तो कहाँ पे जाती है कई बारी विंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ खाने को मिल रहा है उसको, जहाँ ज्यादा उपजा हुआ होता है वही वो जाती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है इकोलॉजी का कि जहाँ खाना वहीं पे जीव जंतु पहुंचते हैं। तो अच्छी फसल हुई थी हमारे देश में और देखिए ये टिड्डी दल ऐसे आया है। तो आप पेस्टिसाइड्स, चाहे वो पर्यावरण का थोड़ा नुकसान करेंगे, उसी से ही आप बच सकते हैं या को मार के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे उत्तर दिए। अभी हमारे पास में नूतन सोनी जी छतरपुर पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े शादी विवाह भंडारे होते हैं, इनमें सामूहिक रूप से फूड पॉइजनिंग कई बार होती है, ऐसे समय पे फूड पॉइजनिंग के कंट्रोल को रोकने के लिए कुछ पहले से भी उपाय हैं और बाद में हमें क्या करना चाहिए? कई बार बासा भोजन बहुत बचता है, हम सोचते हैं गरीबों को बांट दो, गुरुद्वारे के पास लोगों को दे आओ, ऐसे समय में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहता है? ये हमारे तरफ से विनीत रावत दिल्ली से भी यही सवाल पूछ रहे हैं, प्रवीण नायक का सवाल है, ये हमारे कल्याण सिंह चौहान जी का भी छतरपुर से सवाल है कि क्या भोजन बचता है उसका हम कैसे निपटान करें और कैसे इसको बचाव करें? पूर्व से भी योजना हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। देखिए, फूड पॉइजनिंग से जो डायरिया वगैरह होता है, बुखार आता है, कितनी जाने जानती है हमारे देश में, तकरीबन सबसे बड़ा कारण है जो ये बीमारियों के बाद ये जो फूड पॉइजनिंग से जो जाने जाती हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वही उसी खाने में जो कि इतना सेहत देने वाला है, मगर अगर ठीक तरीके से नहीं रखा तो उसमें कीटाणु आ जाते हैं खाने के लिए उस भोजन को, और हम जब उसको खाते हैं वैसे भोजन को, तो कीटाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंगस है। तो ये जो कीटाणु हमारे अंदर फिर बीमारी पैदा करते हैं, जो कुछ घंटों में ही नजर आ जाता है, नहीं तो कई बार कुछ दिन के बाद इसका असर नजर आता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम ऐसा भोजन नहीं खाएं, और उसके लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि एक कारण, दूसरा कारण है, कई बार हम पानी गलत पीते हैं,
और उस पानी में अगर वो साफ पानी नहीं है, जैसे कि उसमें सूएज का पानी मिला हुआ है, यानी पीने वाले पानी में कई बारी, तो ऐसा पानी भी फिर फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि पानी अगर हमें साफ नहीं मिल रहा है, हमें शक है, तो हम उबाल कर पिए उसको, या और ऐसा है भोजन भी अगर हमें ऐसा लगे कि बासी ना हो और वो है, तो उसको उबाल के खाने से, क्योंकि तेज आंच पे पकाने से और उबालने से वो बैक्टीरिया मर जाता है, और ऐसे 10 मिनट उबालते रहने से वो मर जाएगा, तब आप अगर खाते हैं या पानी पीते हैं तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। होने के बाद क्या कर सकते हैं, फिर तो तेज दवाई खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स उसको कहते हैं, और उसका पूरा कोर्स करना चाहिए जितना दिन का डॉक्टर ने बताया है, और डॉक्टर से आप जो भी दवाई अपने अपने सिम्टम्स बता के लेंगे, वो इतने सारे जो है साइंटिफिक नाम को छोड़ के कि मेन कैटेगरीज बैक्टीरिया और फंगस और वायरसेस, उसके हिसाब से वो कोर्स बताते हैं, वो आपको पूरी दवाई खानी पड़ेगी, और सादा खाना, हल्का खाना उसके साथ जो पच जाए, जैसे पतली खिचड़ी, सूप वगैरह, या फल का रस, ऐसे लेके इतने दिन आप फिर अपनी फूड पॉइजनिंग से निजात पा सकते हैं। अंजलि जी, हमारे साथ ऐसे ऐसे दर्शक हैं जो परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अपने परिवार की फोटो डाल रहे हैं। COVID-19 से प्रभावित होके हमारे साथ दो भाई बैठे हैं, सिद्धार्थ आचार्या और सुवेद्र आचार्या, एक अहमदाबाद में रहते हैं, एक बंगलोर में रहते हैं, आईटी प्रोफेशन से दोनों। इनका एक बहुत अच्छा जेन्युइन सवाल है, और इनकी माताजी प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है यहाँ पे, पिताजी प्रिंसिपल से रिटायर्ड होकर अभी एक यूनिवर्सिटी में रीडर है। ये लिख रहे हैं कि बाढ़ के बाद जल भराव होने के बाद काफी बीमारियां फैलती हैं, खासकर निचली बस्तियों में, ऐसे में कोरोना टाइम भी चल रहा है, तो इन सब बीमारियों से हम कैसे बचें या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ये जो बाढ़ का दूषित पानी तो बीमारियां पैदा ही करता है, और उस पानी को उबाल कर ही इस्तेमाल करें, या पानी अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें क्लोरीन की गोलियां मिल जाती हैं, आपने आपकी म्यूनिसपैलिटी वाले फ्री में भी बांटते हैं ऐसे टाइम में, वो गोलियां डाल के, या आयोडीन की गोली डाल के, आप जो भी मिलती है उससे आप पानी को फिर से साफ करके ही इस्तेमाल करें, ये सबसे जरूरी है। बाढ़ के पानी में ना जाएं, क्योंकि वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि उस पानी में कहीं से नाली का पानी मिला हुआ है, टॉयलेट का पानी मिला हुआ है, हमें नहीं पता, तो सारे उसमें अंदर प्रदूषण उसके अंदर रहता है, रसायन होते हैं, तो ये शरीर पे बहुत बुरा असर करते हैं। और आपने क्या कहा था आगे कि इससे कैसे बचे, तो ये एक तो फ्लड वाटर जो है बहुत खराब है, साथ में कोरोना का टाइम तो है ही, कोरोना के लिए तो हम सबको पता ही है कि ये सांस से, एक दूसरे के सांस से हमें एक से दूसरे पे जाती है, तो मुंह पे मास्क पहन के रहना बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है अभी पूरे दुनिया में कि मास्क एक चीज है जो हमें बचा सकता है, तो वो कपड़ा का टुकड़ा हर वक्त आप पहन के ही बाहर निकलिए, और किसी से भी बात करते हैं या आप चल भी रहे हैं तो भी जो साथ में चलने वाले लोग हैं उनके मुंह से निकल रहा है वायरस, अगर उसको करोना है, तो आप हर वक्त मास्क पहन के रखिए, और बाहर अगर आप कुछ छूके आते हैं तो घर में आके हाथ जरूर धो लीजिए, और नहीं तो दस्ताने पहन के जाइए, अगर आपको सामान खरीदना है या कुछ छूना है ऐसी जगह पे जहाँ पे शायद कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज भी अपना छूके, या ऐसे स्थान जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उसकी रेलिंग पकड़ना है, या दरवाजा है कहीं का खोल रहे हैं उसका हैंडल है, तो आप हो सके तो दस्ताने पहन के जाइए खुद, ताकि घर में आए तो आप दस्ताने समेत पहले दस्तानों को अच्छे से साबुन से धोएं, फिर उतार के अच्छे से हाथ को धो लें, फिर मास्क को उतारें और फिर अपना मुंह भी धो लें, और आप इसी से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये दो आपदाएं जब इकट्ठी आती हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी तो पहली बार ही पूरी दुनिया में आई है इतनी बुरी, तो आपको एहतियात तो पूरी तरह से बरतनी पड़ेगी, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथ विदेशों के भी कई दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें से हमारे सचिन त्रिपाठी हैं, चंद्रकांत पटेल जी हैं, मनोज जी हैं, और महेश तिवारी जी हैं लंदन से, जयेश जी हैं मास्को से, ये हर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनुराग पांडे जी वाराणसी में प्रोफेसर हैं, परिवार के साथ कार्यक्रम देख रहे हैं, और इन्होंने एक फोटो भेजी है अपने बच्चों के साथ,
एसएन गौर जी हैं, संतोष गंगेले कर्मयोगी पत्रकार, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इनके बड़े जायज सवाल हैं कि बुंदेलखंड सूखा और बाढ़ आंधी दोनों से बड़ा प्रभावित रहता है, ऐसे क्षेत्रों में हमें घरों में क्या तैयारी रखना चाहिए। ब्रजेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में हम लोग जान निकल जाती है, हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते रहते हैं, पुलिस के डर के मारे हम जो है छूते भी नहीं है, तो इस बारे में कानून क्या कहता है, थोड़ा कानूनी पक्ष की भी जानकारी दें, क्योंकि आपने पुलिस को ट्रेनिंग दिया है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट का लीगल राइट्स भी जानती हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि प्रश्न काफी चले आ रहे हैं, लगभग 300 के आसपास प्रश्न अभी तक हमारे को आ गए हैं, बहुत सारों के उत्तर आपने दे दिए हैं, लेकिन दर्शकों की हमेशा की तरह इच्छा रहती है मेरा नाम भी आए, मेरा सवाल भी आए, तो अच्छा रहेगा, सब देश दुनिया के लोग देख सकेंगे। देखिए, मेरे को भी बहुत दुख होता था कि ये देखकर कि सड़क पे दुर्घटना होती है और लोग आके इकट्ठे भी हो जाते हैं मगर कोई मदद नहीं करता, और कई बार तो गाड़ी में चले जाते हैं, चले जा रहे हैं और वहां पे उसको विक्टिम को खून बह रहा है, आपको पता है 1 किलो खून बहे तो वो बेचारे की जान जा सकती, यानी कि एक्सीडेंट से नहीं मरा मगर मदद नहीं मिलने से मरते हैं बहुत लोग। तो इसीलिए हमने ये संस्था भी शुरू की थी, क्योंकि कई बार लोगों को मदद करना आता भी नहीं है और कई बार गलत ही मदद कर देते हैं, इसलिए लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और इस और ये बात भी सजग भी करना कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी आप सोचिए किसी दिन कोई हमारा परिवार का वहां पड़ा होगा और उसको कोई मदद नहीं करेगा तो कितना बुरा लगेगा, हमें कितना फ्रस्ट्रेशन होगा कि कोई उसको हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गया। तो इसलिए एक हमें कल्चर हमारा चेंज करना है, मदद करने का कल्चर होना चाहिए, कल्चर ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, यू नो, कल्चर ऑफ शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, और ये कल्चर ऑफ प्रिवेंशन की तरह एक अगर हम टाइमली मदद देते हैं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में एक कहते हैं गोल्डन आवर, दैट इज फर्स्ट, अगर पहले घंटे में मदद मिल जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो जान बचने का जो चांस है 75% से अधिक हो जाता है। और अगर आजकल तो कहते हैं प्लेटिनम 15 मिनट, प्लेटिनम 15 मिनट्स, उसमें अगर उसको मेडिकल एड मिल जाती है विक्टिम को, तो जान बचने का चांस 95% बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम फिर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि रेस्क्यू ऑफिस कोई एम्बुलेंस या कुछ पहुंचने में मदद तो टाइम लगेगा, मगर जो आसपास हम खड़े हैं अगर हमको मदद करना आता है तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। और मैं आपको एक खुशखबरी दूं इसमें, जो आपने पूछा कि पुलिस तंग करती है, पहले करती थी तंग, वो सारी चीजें पूछना और कोर्ट में भी आके गवाही दीजिए ये सब, तो मदद करने वाले हरास होते थे, मगर अब कुछ ही साल पहले की बात है, हमने हमारे सरकार ने गुड समारिटन लॉ बनाया है, यानी जो मदद करने वाला है उसको तंग नहीं किया जाएगा, या अगर वो हॉस्पिटल लेकर आता है बस उसको शुक्रिया कह के वो जा सकता है, उसको मजबूरी नहीं है कि बताना और गवाही देना, और उसकी मर्जी है तो वो केस में मदद करना चाहता है वो करे, अगर नहीं करना चाहता तो उसको पुलिस हरास नहीं कर सकती। ये अभी हाल ही में ये कानून बना है और इससे हम सबको सुरक्षा है कि हमको किसी को मदद करना है तो हमें कानून या पुलिस अब हमें तंग नहीं कर सकती। अंजलि जी, एक हमारे दर्शक बैंकॉक थाईलैंड से भी जुड़े हैं, श्रीमान राहुल खरे जी का सवाल है, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर उनका प्रश्न आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि थाईलैंड में हालात काफी नियंत्रण में है परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग और सभी रिश्तेदार भारतवर्ष में हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र सभी जगहों पर है, तो यहाँ के भारतीय समुदाय बहुत चिंता का माहौल है। मेरा प्रश्न है कि बढ़ती हुई रोगियों की संख्या और भयावस्थी कल्पना, जहाँ कहना है हर परिवार से पीड़ित हो सकता है, भारत सरकार की और आपदा प्रबंधन विभाग की क्या तैयारी है, क्योंकि महानगरों में संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दीजिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या क्या प्रबंध किए हैं। देखिए, आप कोरोना महामारी का पूछ रहे हैं, तो ये जो एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है और क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य जो इंतजाम है ये भी हमारे संविधान में राज्य सरकार की ही ड्यूटी है, क्योंकि
राज्य सरकारों को ही फंड्स मिलते हैं, पैसा जो टैक्स से मिलता है स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए। इसलिए क्या व्यवस्था हर राज्य में है, हर स्टेट में अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है। कुछ स्टेट्स तो अच्छा कर रहे हैं मगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करके सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी मदद कर रहा है। और जो इतना सबसे बड़ा चीज जो इस, क्योंकि ये नई एक महामारी, एक नई डिजास्टर आई है पूरी दुनिया के सामने, तो हमारे देश ने जो सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया कि दूसरे देशों की बुरे हाल देख के अपने यहाँ पे समय से लॉकडाउन करके, और वो टाइम जो इकट्ठा किया ये 2-3 महीने का, ताकि हर राज्य सरकार अपने वहां पे अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक कर ले। जो मशीनें चाहिए, दवाइयां चाहिए, डॉक्टरों की ट्रेनिंग और वो सब करने के लिए उनको वक्त मिल गया। नर्सों को ट्रेन करना, कि क्योंकि डॉक्टर और नर्स और जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी, उनको भी कोरोना नहीं हो जाए उसके लिए उनको ट्रेन करना, उनके लिए किट्स लेकर आना, जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारा, और जो औजार सब चाहिए वो सब की व्यवस्था सब कर पाए समय उसके लिए मिल गया हम सबको लॉकडाउन करने के कारण। अब लॉकडाउन खुलने पे ये सब दिख रहा है कि राज्य सरकार क्या कर पाए हैं। तो जो नहीं जहाँ पे कर पा रहे हैं वहाँ पे सेंट्रल सरकार मदद कर रही है, चाहे मशीनें देने में, वेंटिलेटर्स का इंतजाम करने में। ऑफ कोर्स जो मेन जो है, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो रिसर्च इतना जोर से कर रहा है, स्पीड से, कि दवाई निकल आए ताकि इस बीमारी से निजात मिले। और इसलिए आप देख रहे हैं जो सारी पूरे देश भर से, बल्कि दुनिया भर से जो डेटा मिल रहा है वो इकट्ठा करके रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों को ठीक कैसे करें। इसलिए हमारे देश का जो रिकवरी रेट है, ठीक होने का रेट है, आज 60% से भी ऊपर जा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक अच्छा रेट है। इतना रिकवरी रेट कहीं पे भी नहीं है, मरीज ठीक हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज। फिर लेबोरेटरीज में टेस्टिंग, जो टेस्टिंग किट है, पहले बाहर से आ रही थी तो महंगी भी पड़ रही थी और मिल भी नहीं रही थी, हर एक देश अपने लिए रखना चाहता था, तो सबसे पहले वो शुरू करवाया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लेबोरेटरीज में टेस्टिंग किट बनाने के लिए। और अब कई लेबोरेटरीज ने हमारे देश की अपनी इंडिजिनियस किट बना ली है बहुत सस्ते में, और वो टेस्ट कर रहे हैं। कई जो सरकारें हैं वो फ्री में इलाज दे पा रहे हैं क्योंकि सस्ते में हमको किट मिल गई है। और उसके बाद जो इलाज के तरीके भी हैं उसमें भी मुझे पता है मोदी जी का बहुत पुश है आयुष मिनिस्ट्री पे, कि हमारी आयुर्वेदा, क्योंकि देखिए एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है नहीं, तो हमारी आयुर्वेद मगर जो थी साइंस इतनी पुरानी, और उसमें इतने हर चीज का इलाज है, उसमें तो कैंसर का इलाज है, उसमें HIV एड्स का इलाज है, सब बीमारी का इलाज है, जो कि एलोपैथी आज तक नहीं दे पाई। एलोपैथी तो एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर भी क्योर नहीं कर पाती है। तो आयुर्वेद के तरीके अपनाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने कितना प्रसार किया कि कुछ इतने आसान तरीके हैं, जैसे गिलोय और वो जो काढ़ा पीने के लिए, च्यवनप्राश खाइए, अपना गरारे कीजिए सुबह उठ के, भाप लीजिए, जिससे हमारे अपने जो श्वास का जो सिस्टम है, सांस लेने का, वो फेफड़े सबको मजबूती मिलेगी जहां पे मेन कोरोना अटैक करता है। तो ये जो गोल्डन मिल्क पीजिए, हल्दी डाल के दूध उबाल के पीजिए, तो कितने आसान तरीकों से हम अपना बचाव भी कर सकते हैं, और जो मरीज हो चुके हैं कोरोना के उनको भी ये दिए जाते हैं, गर्म पानी पिलाया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो उससे वो ठीक हो रहे हैं। और जी अंजलि जी, हाँ। अंजलि जी, विषय पे कई चर्चाएं हो गई हैं, हमारे दर्शक बड़ी संख्या में जुड़े हैं। मैं इस प्रश्न के दवाई वाले पक्ष पे ना जाते हुए, हमारे एक पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी पूर्व विधायक है, वो पूछ रहे हैं कि बुंदेलखंड में घरों में बिजली के तार से शादी में ब्याह में तार लगाते हैं और लोग उससे करंट लगने से मर जाते हैं, ये बड़ी संकट की बात होती है, इसके कोई तुरंत उपाय है क्या? दूसरा, एक दीपन वर्मा जी जो जापान में कई वर्षों तक रहे हैं, दिल्ली में जुड़े हैं,
वो लिख रहे हैं जापान में नर्सरी क्लास से बच्चों को स्कूल में भूकंप की स्थिति में क्या करना है इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। दिल्ली भूकंप के फोर्थ हाईएस्ट सेस्मिक जोन में आता है, यहाँ पर भी ऐसा जागरूकता कार्यक्रम पाठ्यक्रम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दीपन वर्मा हमारे मित्र हैं, हर एक कार्यक्रम में परिवार के साथ जुड़ते हैं, आज भी उन्होंने अपनी फोटो भेजी है और वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल जरूर पूछिए, अंजलि जी से कहिए वो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में है सरकार के सामने इस विषय को लाएं कि इस विषय को बच्चों के नर्सरी बच्चों के कोर्स में चलाया जाए, क्योंकि हालात यहाँ तक, एक तो प्रवीण नायक जी लिखते हैं जापान में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड सुनकर लोग जगह छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो लोग जो है कहते हैं कोई वीआईपी आ रहा है खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में आप क्या सरकार को हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड के लोगों की बात को कभी रख पाएंगी क्या कि इन विषयों की प्रारंभ से नर्सरी में पढ़ाई कराना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने एनजीओ की तरफ से बहुत चिट्ठियां लिखते रहते हैं और जितना जल्दी अगर बच्चों को अपने बचाव का तरीका सिखा दिया जाए तो वो अपना बचाव तभी खुद कर सकेंगे, और इस और ये जो जानकारी होती है खतरों की, इसके कारण वो अपना उस खतरों से बचे भी रहते हैं, यानी प्रिवेंशन भी तभी होती है अगर जानकारी हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो सरकारें जरूर बदलेंगी। अब जैसे मैंने बताया जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई की बात है, वो भी राज्य सरकारों के पास ही है सब्जेक्ट, तो हमारे संविधान ने ये जरूरी हमारी जान उन्हीं के हाथ में की, तो सब सरकारें एक जैसी नहीं है, मगर अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो एक दिन जरूर बदलाव आएगा। और दूसरा जो आपने बताया था बिजली का झटका, वो तो बहुत ही बड़ा कारण है जान जाने का। उसमें भी सिंपल टेक्निक्स हैं कि हमें पता होना चाहिए कि बिजली जो है पानी से कंडक्ट होती है, इसलिए कितनी जाने जाती हैं घर में जब उपकरण इस्तेमाल करते हैं जैसे गीजर या वो जो पानी की रॉड, पानी गर्म करने के लिए रॉड डालते हैं बाल्टी के अंदर पानी गर्म करने के लिए, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने हाथ में या पैर में रबड़ के चप्पल और हाथ में ग्लव्स हैं तो हमें झटका नहीं लगेगा, या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं कोई तार को हिलाने के लिए तो हमें झटका नहीं लगेगा, और दूसरा अगर किसी को हमारे रिश्तेदार को लगा है तो हमें उसको बचाना है तो उसको हमने ऐसे पकड़ के नहीं हटाना उससे उपकरण से, क्योंकि उससे करंट हमारे अंदर भी आ जाएगा और हमारी भी जान जा सकती है, उसको भी जो अब उसका छू रहा है उपकरण को लकड़ी से, कोई लकड़ी या घर में अखबार को गोल करके ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी से उसको ऐसे ही बचा सकते हैं, और अगर वो बेहोश हो गया है तो भी उसको बचाया जा सकता है, जो मैंने तरीका सिखाया था CPR, क्योंकि जब बिजली का झटका जी, 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 तो दिल बंद हो जाता है काम करना, तो उसको कैसे बचाएंगे, जो मैंने सिखाया था उसका दिल पे दबाव डाल डाल के, और जब तक आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसका दिल हो सकता है, उस केस में तो कई बार 2 मिनट में फिर से चलने लगता है दिल, क्योंकि किसी बीमारी के कारण तो ये बंद नहीं हुआ, कई बार बिजली के झटके से जो पता उसको, तो अगर हम 2-3 मिनट भी CPR करते हैं तो वो फिर उसकी मूर्छा टूट जाती है और वो ठीक हो जाता है। धन्यवाद जी। अंजलि जी, एक राजीव शर्मा जी रायपुर से दर्शक जुड़े हैं कि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता हूं, आपकी संस्था से जुड़ना चाहता हूं। मैं राजीव जी को आपका ईमेल कांटेक्ट सबसे अच्छा है वो दे दूंगा। धन्यवाद राजीव जी। मेरे साथ भारत भूषण जी इंदौर से जुड़े हैं, विजय तिवारी सतना से जुड़े हैं, जे एन चतुर्वेदी छतरपुर से हैं, संतोष शर्मा जी छतरपुर से हैं, हमारे प्रवीण दुबे जी हैं धौरा से, हमारे संतोष गंगेले जी हैं, राजेश अग्निहोत्री, प्रेम गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी ने सवाल पूछा है, पुनीत साहू है कानपुर से। ऐसे कह सकते हैं कि पूरे देश से हमारे इस आज के इस छठवीं परिचर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हैं, सभी के प्रश्न इसमें समाहित हो गए हैं, लगभग 319 प्रश्नों की टेली हमारे सामने अभी तक आई है, 319। और जो हमारे रंजीत जी और संकल्प मिश्रा दोनों IT को चला रहे हैं, विनीत रावत जी, ये बता रहे हैं कि लगभग 1689 लोग फोन पे जुड़े हुए हैं, कई लोग अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, ये फाइनल टेली माइक्रोसॉफ्ट टीम हमको बाद में देगी, कौन कितने मिनट कितने सेकंड जुड़ा है वो आंकड़ा भी हमारे आएगा, हम बाद में उसको पब्लिश करते हैं। आज आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बारीकी से चीजों को बताई है, मैंने कोशिश की है
कि हमारे सभी श्रोताओं का, दर्शकों का प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया जाए। हमारे कामता पांडे जी, कृष्णा पांडे जी, श्यामलाल गुप्ता सतना से, अनुराग गौतम लगातार जुड़े हैं, श्रीमान योगेश ताम्रकार जी, जयदेव ताम्रकार, जानवी त्रिपाठी, नीता सोनी, सीमा यादव और भी बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हुई हैं इसमें। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, जबलपुर से, इंदौर से, नागपुर, भोपाल, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक मुखर सिपाही, प्रखर सिपाही ग्रुप है, ऐसे अनेक ग्रुपों से लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भावना पटेल वाराणसी में एक हॉस्पिटल चलाती है, वो जुड़ी है, जौनपुर से एक सचदेवा मैडम जुड़ी हैं, शायद उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभी तक की परिचर्चाओं में इन्होंने भाग लिया। और आज की मजेदार बात तो ये हुई है कि आज आपने प्रैक्टिकल करके कैसे पंपिंग करें, शरीर को कैसे बचाएं, ये बताया है, लोगों को शायद कल्पना भी नहीं थी इसकी। हम वेबिनार के माध्यम से अरविंद मिश्रा ने बहुत अच्छी मीडिया के लिए पूरा इंटरव्यू तैयार करते हैं, आज भी वो अपने गांव आए हुए हैं, तो शायद मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वो हैं, वहां से वो तैयार कर रहे हैं। राजीव शुक्ला, राजेश अग्नोत्री, प्रेम गुप्ता, कल्याण सिंह चौहान जी ने फुल पेज आपके इंटरव्यू और विज्ञापन छापे हैं, उम्मीद करता हूँ आगे भी छपेगा। अवधेश शुक्ला जी, हमारे संजय साय जी, बड़ी संख्या में टीम सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, झांसी, महोबा, बांदा, कानपुर के लोग जुड़े हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। मैं सबके नाम लेना लूंगा तो शायद कई दिन हो जाएंगे। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 6 सप्ताह से डॉक्टर नरेश त्रेहान जी की COVID-19 में स्वास्थ्य परिचर्चा से जो चर्चा शुरू हुई, दर्शकों की, श्रोताओं की मांग बढ़ती गई और हम इसको बढ़ाते गए। धीरे धीरे देखने में आया कि आज हम 6वीं परिचर्चा के समापन के दौर में हैं और मैं उम्मीद करता हूं जैसे हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक आएगा, हम उसके आधार पर कोई अन्य दिन तय करके इसको जारी रखेंगे। न्यास का उद्देश्य है पर्यावरण का सुधार हो, गाँव आत्मनिर्भर बने, गाँव में झगड़े कम हो, इसके लिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की 96वीं जयंती आगामी 7 अप्रैल को है। धौर्रा गांव जो हमारा पैतृक गांव है, वहां पे एक बहुत विशाल खेल परिसर बना हुआ है, उस दिन वहां पे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। अनेक जगह पे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, प्रयागराज के हैं, सागर के हैं, बंडा के हैं, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना में, ऐसे अनेक स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे। मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि COVID-19 का समय चल रहा है, कोई भव्य आयोजन न करें। सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण करना है, बच्चों को स्कूल की कापियां, पेंसिल, पेन आदि का वितरण करना है, उसमें सामाजिक दूरी अवश्य मेंटेन करें। श्रीमान अपने IT प्रबंधक रंजीत जी और पूरी माइक्रोसॉफ्ट टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी अनुभूति मिश्रा, इसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई जापान से कोर्स भी की हुई है, वो आपसे बात करने की इच्छुक थी, आज उन्होंने पूरी चर्चा सुनी है और रिकॉर्डिंग भी कर रही है, अभी उन्होंने मैसेज भेजा है। तो आज आप पूरे अटक से कटक तक ही नहीं कह सकते हैं, पूरे सप्त महासागर की फैली हुई डॉक्टर अंजलि क्वात्रा जी आज लोगों को जानकारी दी है। विषय थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन शायद विषय भी हमारी जीवन रक्षा से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इतना बताना ही हमारे लिए न्यायपूर्वक काम था। अनेक दर्शकों ने इसमें भाग लिया है, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। सभी पत्रकार बंधुओं का, श्रीमान सनत कुमार जी जैन, बंटी जैन, हमारे छतरपुर प्रमाण राष्ट्रमाण हरि अग्रवाल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सावन दीक्षित जी, लाइव प्रसारण हमारे शशांक मिश्रा जी कर रहे हैं और हमारे साहित्य जी तो अपना स्पीकर लगा के परिवार के साथ फोटो भेजेंगे, 20-20 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तो हमारे फाइनल टैली आएगी, उसमें पता चलेगा कि इस कार्यक्रम की कितनी अधिक लोकप्रियता है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अभी तक हमने 2 ग्रुप बनाए थे, मनीष सिंगल जी ने इसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की है, प्रवीण खरे, प्रदीप खरे, मंटू जी, प्रवीण गुप्ता जी ने विशेष रूप से सूचनाएं भेजना, लिंक भेजना, पोस्टर बनाना, शिवम द्विवेदी ने, हमारे दिल्ली के श्री सत्यभूषण जी जैन, श्री राकेश बिंदल जी, श्री राजेश वर्मा, मुस्तफा खान, जिन्होंने अच्छी अच्छी डिजाइने बना करके हमको भेजी है, आगे भी भेजते रहेंगे। मैं सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गेस्ट का डॉक्टर आलोक हेमल जी लगभग 4 चर्चाओं में जुड़े हैं, उन्होंने आज भी प्रश्न पूछा है कि गांव में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, शायद वो उत्तर आ गए हैं, हमारी टीम की मर्यादा है समय सीमा की, जिनके भी प्रश्न छूट गए हमें क्षमा करेंगे। और
पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के मुख्यालय सतना में जहाँ ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, आज हम उसी शहर तक, उस स्थान की भूमि तक पहुंच गए हैं। नेह नेकुंज भवन गवां से यह प्रसारण हो रहा है। अपार रेजिडेंसी होटल के मालिक श्री अतुल अग्रवाल जी, कमलेश्वर अग्रवाल जी, महेंद्र अग्रवाल जी, हमारे सतना के उद्योगपति श्री मोतीलाल जी गोयल, योगेश जी, मणिकांत माहेश्वरी जी, सबका, यहाँ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी, सांसद गणेश सिंह जी, सभी लोग इस ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज अंजलि जी का जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया, आगे भी इसी प्रकार से सुनते रहेंगे। मैं सबका धन्यवाद करते हुए अपने अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका कॉन्टेक्ट ईमेल, उनके द्वारा बताई हुई चीजें मैं बताऊं। उनका बायोडाटा अपने आप में ग्रंथ है, 13 पेज का उन्होंने हमको बायोडाटा दिया। मैं आपको बहुत कम चीजें बता पाया, तो निश्चित रूप से चर्चा तो लंबी होनी ही थी। अंजलि जी सेवा भारती संघ का एक बड़ा संगठन है, उसमें काम करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, दिल्ली के ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, बसों में महिलाओं को, पुरुषों को, उनके काम की तारीफ के आधार पर ही हमने उनको बुलाया है। निर्विकार भाव से वो जनता को जान से बचाना चाहती है, उन्होंने आज अनेक जानकारियां दी हैं। हमारे देश में चीन के साथ युद्ध के वातावरण बनते हैं, ऐसे समय पर न्यूक्लियर वार के समय भी हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है उन्होंने बताया है। आतंकवाद, रोड एक्सीडेंट, बादल फटना, पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग, इन सब चीजों के बारे में हमारे दर्शकों ने आज नई नई जानकारी प्राप्त की। मैं एक बार फिर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। उनके पतिदेव भी गरीबों को कंप्यूटर की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। श्रीमान आर्य जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, शायद वो पीछे से कहीं आज इस काम में जुड़े भी होंगे, क्योंकि अभी होम से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो निश्चित घर पे होंगे। अंजलि जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।